नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका गुरु आपका टीचर आपका मेंटर और आशीर्वाद दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे आप सभी को दोस्तों वेरी गुड इवनिंग नमस्कार दोस्तों शाम की आपको आ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक और विजुअल्स भी आप तक प्रॉपर मात्रा में पहुँच रहे हैं दोस्तों आइए जुड़िए मेरे साथ अन अकेडमी यू पी आपका स्वागत है दोस्तों आप सभी को वेरी गुड इवनिंग अगेन दोस्तों कहाँ है हमारी आज क्लास के साथ संडे अच्छा छुट्टी मना रहे हैं संडे है भूल गया मैं तो यार पहले बोल देते हैं अभी छुट्टी मारता है यार क्या यार पहले बोलना चाहिए था संडे है सर आज नहीं आना हम लोगों को कोई बात नहीं कोई बात नहीं शुरू करेंगे हम लोग अब आ गए हैं तो पढ़ना पड़ेगा है ना जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा अपने आप से मैं बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे जी हाँ सबको गुड इवनिंग दोस्तों राधे एम के वर्मा सोनम ज्योति श्रद्धा विनीत प्रियंका अंकुर आर्यन सुनीत कपिल योगेश और मेरे हज़ारों दोस्तों को सबको नमस्कार दोस्तों शुरुआत करेंगे आपके साथ सेशन की हम लोग आज ये दुर्घटना हो गई मेरे साथ आ, मेरे घर से मेरी घड़ी गायब हो गई जय मेरी हैंड वॉच गायब हो गई है और इम्पोर्टेंट बात है घर में कोई आता ही नहीं है सुबह पहना था शाम में नहीं पहना मतलब इस घर ने उसको गायब कर दिया है यानी इस घर के सिस्टम ने गायब कर दिया अल्टीमेटली तो सिस्टम दोषी है इस काम के लिए अगेन तो मेरी घड़ी नहीं मिल रही है सुबह से तो उसके लिए सिस्टम दोषी है घर का कि बहुत ढूंढा मैंने बहुत जगह जगह जहाँ मैं जा सकता हूँ उस घर के अंदर मैंने हर जगह ढूंढ ली कि ना घर में कोई आया ना घर के बाहर कोई गया फिर भी घड़ी गायब हो गई यानी कि कहीं ना कहीं समय खराब चल रहा है जी हाँ दोस्तों इसका मतलब है घड़ी खराब नहीं समय खराब चल रहा है चलिए दोस्तों आ जाइए फटाफट सब चालू करेंगे दोस्तों <coughs> ये बड़ा सस्पेंस है गई कहा यार क्योंकि समय खराब चल रहा है अलग बात है घड़ी गायब हो गई मतलब ये तो बड़ी बात हो गई ना अपने आप में चलो कोई बात नहीं <coughs> मिल जाएगी कहीं नहीं जाएगी समय अच्छा भी तो आता है मतलब सुबह समय अच्छा आएगा मिल जाएगी मैं जानता हूँ वो यार मैं ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया कियाचुअली मैं अब तक ऐसा कहूँ तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आपके संग शुरुआत करेंगे दोस्तों आज सेशन की आज के समय जो भी हो रहा है समय नहीं मालूम है समय क्या हो रहा है घड़ी में कुछ घड़ी भी नहीं है पास ना ओके बहुत ज़्यादा समय हो चुका है चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप लोग आ जाइए फटाफट सेशन की शुरुआत करेंगे दोस्तों आपके साथ मेरा बोर्ड कहाँ है चलिए बोर्ड भी आ गया फाइनली अपने पीछे चलिए सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज की करंट uh, अफेयर्स का फाइल खोलने पहले हम लोग यहाँ पर जी हाँ करंट अफेयर्स का फाइल खोल लिया पहले हम लोगों ने यहाँ पर आपके लिए ठीक है सर एक ये फाइल भी खोल लेते हैं कम आएगा पी टी फाइल क्वेश्चन फाइल बाद में बात करेंगे फॉर्मेट की बात बाद में करेंगे अच्छा दोस्तों आ, दोस्तों मैं आगे बढ़ूं आपके संग बाकी लोग तक आ जाएंगे उम्मीद करता हूं आ, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके लिए कराता है दोस्तों ढेर सारी क्लासेस जहाँ पर हमारे अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए यूट्यूब पर आपके लिए ऐप आप के ऊपर और प्लस क्लासेस में आपके साथ रहते हैं दोस्तों और अन अकेडमी इस समय प्लस क्लासेस दोस्तों आपके लिए एक विशेष ऑफ़र भी लेकर आए जैसे आप जानते हैं अन अकेडमी का वन स्क्रिप्शन जी हाँ दोस्तों आप जुड़ सकते हैं हमारे इस कॉम्बो ऑफर के साथ जहाँ पर यू पी एस सी जी एस और यूपीएससी स्तर के ऑप्शनल की तैयारी आप एक सिंगल फीस में कर सकते हैं उस फीस में डिस्काउंट चल रहा है भी दोस्तों यहाँ पर जो फीस कंबाइंड रूप से सेवेंटी थाउजेंड का होता है वन ईयर का प्लस का जीएस लेंगे आप ऑप्शन लेंगे सेवेंटी सेवन थाउजेंड वहीं आपके लिए कर दिया गया इसको फिफ्टी सेवन थाउजेंड उसका डिस्काउंट और है टेन परसेंट का नियरली आपको पे करना होगा दो फिफ्टी वन थाउजेंड यहाँ पर और उसके बाद हम उसे जुड़ सकते हैं जी uh, एस uh, और ऑप्शन जुड़ सकते हैं टीचर्स के साथ दोस्तों फिफ्टी वन थाउजेंड फॉर वन ईयर जी हाँ दोस्तों फॉर वन ईयर और यहीं आप जी एस आइकॉनिक लेते हैं और प्लस uh, जुड़ते हैं हमारे जी और कॉम्बो के साथ ऑप्शन कॉम्बो के साथ तो जी प्लस ऑप्शनल का आप कॉम्बो लेते हैं कि जी एस आईकॉनिक का होगा दोस्तों जहां पर आपको पर्सनल मेट्रा मिलेगा आपको गाइड करने के लिए दोस्तों उसका फीस है नियरली सेवेंटी सिक्स थाउजेंड डिस्काउंट मिलेगा आपको नियरली सिक्सटी सेवन थाउजेंड का फॉर वन ईयर का दोस्तों साथ ही साथ दो साल का ये और इसकी फ़ीस है सर एटी थ्री थाउजेंड फॉर टू ईयर लेकिन अगर डिस्काउंट चाहेंगे तो इसमें मिलेगा आपको नियरली सेवेंटी फाइव थाउजेंड के आसपास दोस्तों एक अच्छा डिस्काउंट चल रहा है इसमें नियरली नियरली मिला दिया जाए तो थर्टी फाइव परसेंट के आसपास ये डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर यूज़ करना होगा आशीर्वाद टैन कोड जिससे आपको कई फायदे होंगे सर कई फायदे किस प्रकार के सर बताते हैं आपको सुनिए आराम से दोस्तों इसमें कई फायदे क्या होंगे सर बुक्स मिलेंगी आपको प्रिंटेड बुक्स होंगी सर आ, मेगा ऑफर चल रहा है यानी कि अभी ऑफ़र करते हैं आप 26 मई से पहले तो ये आपका वैलिड रहेगा अगले साल प्री के एग्जाम तक वो मई में हो जून में हो या इवन जुलाई में भी क्यों ना हो तो हर हमेशा वैलिड साल तक वैलिड रहेगा दोस्तों कोर्स आपका पीटी तक वैलिड रहेगा एज वेल एज लोन की सुविधा चल रही है दोस्तों लोन कैसे आपको अप्लाई करना है उसका वीडियो बना चुका हूं देख लीजिएगा और टेन परसेंट डिस्काउंट मिलता ही हमेशा दोस्तों आपके लिए तो आशीर्वाद टेन कोड का यूज़ करें जुड़े हमारे कार्यक्रम के साथ दोस्तों प्लस कार्यक्रम आइकॉनिक कार्यक्रम जानते हैं इसके बारे में दोस्तों आप लोग बाकी 26 मई से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों और सत्ताईस मई से मेरा एक बैच आ रहा है एनवायरमेंट का आपके लिए आ, जो होगा इकोलॉजी बेस्ड बैच होगा दोस्तों इकोलॉजी एंड बायोडावर्सिटी का बैच होगा वो होगा सत्ताईस मई से आपके लिए जो लॉन्च हो रहा है इसी प्लस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए दोस्तों तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं मुझे आप तो इन बैचेस के साथ प्लस मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों बाकी आपका कॉम्बैक्ट आज भी रहा होगा उम्मीद करता हूँ अच्छा गया होगा कॉम्बैक्ट और अगले हफ्ते फिर कॉम्बैक्ट होगा दोस्तों यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं आप जुड़ सकते हैं लेकिन सबके लिए इन सबके लिए दोस्तों एक सिंगल कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा सिंगल कोड की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी और इस सिंगल कोड क्या होगा सर आशीर्वाद टेन जी हाँ दोस्तों आशीर्वाद टेन इसको अपनाइए आराम से विदाउट स्पेस और कॉम्बैक्ट फ्री कॉम्बैक्ट में पार्टिसिपेट करना हो या टेस्ट सीरीज़ में हाँ या प्लस पर डिस्काउंट चाहते हो इस कोड को यूज़ कीजिए और जुड़िया अकेडमी के किसी भी कार्यक्रम के साथ दोस्तों कोई भी समस्या आती है इस बारे में तो मुझे मेल कर सकते हैं मेरा मेल आई है कोड डॉट आशीर्वाद टेन जी हाँ दोस्तों सिर्फ बच्चे जो आशीर्वाद टैन यूज़ करना चाहते हैं वह मेल कर सकते हैं मुझे एट जी मेल डॉट कॉम पर दोस्तों तो कोड डॉट टैन कोड टॉन टेन को डॉट आशीर्वाद टैन ऐट जी मेल डॉट कॉम यूज़ कीजिए दोस्तों इस मेल आई डी में मुझे मेल कर दीजिए एट जी मेल डॉट कॉम पर और आप सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आपके साथ अपने कार्यक्रम की आज के आज के करंट अफेयर्स में क्या है सर क्या नया क्या पुराना और क्या खबरें हैं सर कल दोस्तों हमने 21 खबरें की थी आपको याद होगा कलम ट्वेंटी वन न्यूज़ की थी तो रिकॉर्ड तो नहीं टूट पाएगा लेकिन प्रयास करेंगे आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए आ गए सब लोग दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब लोग आ गए जिनको आना था वो आ चुके हैं जिनकी छुट्टी थी वो मना चुके हैं चलिए शुरुआत करते दोस्तों सबको शुरुआत करेंगे हम लोग यहां पर चलिए फटाफट दस बज के पंद्रह मिनट हो गए हैं पहली बात सब लोग फटाफट फड़ एक लिखिए जिससे हमारा सिंक हो जाए कि आप लोग सेट हो गए मैं भी सेट हो गया हूं कॉपी पेन लेके बैठ चुके हैं खबरों का सिलसिला चालू करेंगे अपनी तूफान एक्सप्रेस तूफान एक्सप्रेस के साथ साथ थोड़ा पैसेंजर गाड़ी भी चलती है कभी कभी अपनी क्योंकि जहां टॉपिक गंभीर होते हैं जहां रास्ता खराब होता है जहां ट्रैक थोड़ा डाउन होता है वहां धीरे चलना पड़ता है दोस्तों फटाफट एक एके लिखो शुरुआत करेंगे आपके साथ हम लोग यहाँ पर जी हां सर चलो पहला क्वेश्चन दोस्तों पहला क्वेश्चन पहला टॉपिक माफ कीजिएगा यार टेस्ट की क्वेश्चन निकलता है मुझसे आजकल पहला टॉपिक दोस्तों केंद्र सरकार जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दोस्तों सुन लीजिए मामला क्या क्या है 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 आज की है की फ्रंट लाइन हेडिंग दोस्तों केंद्र सरकार जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने कल एक आदेश दिया था दोस्तों उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होते हैं अगर किसी को गिफ्ट मिलता है अगर कोई उपहार में प्राप्त करता है कोई यहां पर किसी को गिफ्ट मिला है इंडिविजुअल को एज अ गिफ़्ट मिला है या फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है पर्सनल यूज़ के लिए मेरे यूज़ के लिए मेरा कोई भाई विदेश से मेरा दोस्त जॉन मुझे गिफ्ट कर रहा है विदेश से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तो इस पर सरकार टैक्स क्यों लगाती है इस पर आई क्यों ले रही है सरकार इसको हटा देना चाहिए इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर जो सरकार आयात शुल्क लगाती है जबकि गिफ्ट दिया जा रहा है ना तो तो सरकार इस पर आई वसूलती है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जी हाँ दोस्तों असंवैधानिक है दिल्ली हाईकोर्ट ने कल कहा था सरकार द्वारा गिफ्ट में प्राप्त किए गए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर लगाया गया आई जी एस टी दैट मीन्स इंटीग्रेटेड जी एस टी अवैध है असंवैधानिक है दोस्तों ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिल रहा है मुझे मेरे पर्सनल यूज के लिए मिल रहा है आखिर क्यों असंवैधानिक है, है जैसे कि आप जानते हैं भारत सरकार ने यदि जो हमारी सरकारी एजेंसियाँ हैं वो बाहर की सरकारों से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदती हैं वहां से गिफ्ट प्राप्त करती हैं वहां से खरीद के लाती हैं तो भारत सरकार ने उस पर एग्जम्पशन दे रखा है टैक्स का उस पर कोई टैक्स सरकार नहीं लेती ये सरकार ने 30 जून तक छूट दे रखी है कि 30 जून तक यदि कोई भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सरकारी एजेंसी खरीदती है सरकारी कंपनियां खरीदती हैं सरकारी संस्थाएं बाहर से ख़रीद के लाती हैं या गिफ्ट प्राप्त करती हैं तो उस पर कोई टैक्स दे नहीं होगा लेकिन इंडिविजुअल मुझे देना होगा जबकि दोनों का उद्देश्य मोटिव क्या है लोगों की जिंदगी बचाना सरकारी एजेंसी लेकर आए तो भी ज़िंदगी बचेगी लोगों की मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या आऊँ तब भी ज़िंदगी बचाऊंगा अपनी तो तो ये तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है कि सरकार है तो टैक्स नहीं देगी हम है तो टैक्स देंगे वो भी गिफ्ट ला रहे हैं हम भी गिफ्ट ला रहे हैं तो आर्टिकल 14 का खुला वायलेशन हो रहा है इसलिए कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल जी हाँ दोस्तों तो कोर्ट ने आधार को कहा सुन लीजिए यहां पर कोर्ट ने कहा है कि ये जो आ, आप छूट दे रहे हैं अपने आप को द हाई कोर्ट ने कहा कि एक्सक्लूजन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ द मे ऑर्डर दो मई को जो ऑर्डर दिया था भारत सरकार ने कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपको सरकारी एजेंसी को लाती है बाहर से तो कोई टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर या कोई गिफ्ट मिलता है सरकारी एजेंसी को तो टैक्स नहीं देना होगा तो आपका जो आदेश है ये व्यक्तिगत या इंडिविजुअल लागू नहीं होता इंडिविजुअल आगे तो टैक्स देना पड़ेगा उसको तो किसका वायलेशन हो रहा है दोस्तों ये आर्टिकल 14 का वायलेशन समानता के अधिकार का आपकी इक्वलिटी के अधिकार का वॉयलेशन हो रहा है जी हाँ तो ऐसे में दोनों का उद्देश्य जब जीवन बचाना है दोनों की मशीन का उद्देश्य जीवन बचाना है आप लाओ तो मशीन हम लाएं तो इम्पोर्ट ये नहीं चलेगा तो कोर्ट ने कहा भैया अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक है क्योंकि दोनों ही चीज़ें ये दोनों ही चीज़ें किस काम आ रही हैं आर्टिकल ट्वेंटी के जीवन के अधिकार को बचाने काम आ रही हैं ऐसे में इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता ये कोर्ट ने आदेश दिया अच्छा अब सरकार से खिलाफ जारी सुप्रीम कोर्ट में सरकार भी हमारे यहां महान है यार, मतलब सरकार भी इसका खिलाफ सुपूर्ण दोस्तों यहां पर ठीक है <coughs> तो सरकार ने मन बनाया है टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सैक्टली सरकारी हमें सिस्टम ही है वो भी अपने आप में उसने मन बनाया है किसके खिलाफ जाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या होता है हाल फिर उम्मीद कर रहा हूं खबर के लिए क्लियर होगी आपको आर्टिकल चौदह आप जानते ही हैं आर्टिकल इक्कीस आप जानते ही हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या होता है जानते हैं आप दोस्तों और एक शब्द जियोलाइट जानते हैं जियोलाइट क्या होता है बोले तो जियोलाइट समझते हैं हम लोग जानते जियोलाइट क्या होता है दोस्तों नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं क्यों नहीं जानते हैं आप जियो लाइट दोस्तों ये रहा जियोलाइट्स ठीक है ओके जियोलाइट्स क्या होते हैं दोस्तों जियोलाइट्स दोस्तों जियोलाइट्स होते हैं ना बहुत शानदार चीज़ होती है ये जानते क्या होती है जियोलाइट्स जियोलाइट्स होते हैं एल्युमिनियम सिलिकेट जी हाँ दोस्तों एल्युमिनियम सिलिकेट के बने होते हैं सर ये सिलिकेट के बने होते हैं बहुत छोटे पॉइंट्स होते हैं नैनो टाइप के ये आ, ये क्या करते हैं सर ये आपकी एयर है और जब स्पेस से गुजरती है जिओलाइट पर से गुजरती है तो नाइट्रोजन का अब्जॉर्व कर लेते हैं ऑक्सीजन को फ्री छोड़ देते हैं तो आपकी एयर में से नाइट्रोजन को कैच कर लिया ऑक्सीजन को जाने दिया आगे तो क्या हो गया ऑक्सीजन का रेशियो बढ़ गया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन इसी पे तो काम करती है जी हाँ उसके अंदर जियो लाइट होते हैं दोस्तों ये तो जियो क्या है एल्यूमिनियम सिलिकेट है दोस्तों याद रखिए इंग्लिश का है, इसका देख बाद में याद रखिएगा ये जियोलाइट का यूज होता है किसके अंदर सर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन में दोस्तों ठीक है ना तो याद रखिए जियोलाइट यूज करते हैं हम लोग इसके अंदर ये क्या करता है सर ये एक फिल्टर होता है एक प्रकार का मोलिकुलर सीव जियोलाइट बोलते छन्नी बोलते हैं एक प्रकार की सर ये जो मोलिकुलर सी यानी नाइट्रोजन को छान देती है ऑक्सीजन गुजरने देती है जी हाँ दोस्तों तो बात रखी जियोलाइट की जात इसके बाहर आते हैं दोस्तों हम लोग अभी हाल फिलहाल हमारे काम की फाइल नहीं है ये तो आपको याद करना है क्या दोस्तों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपको याद करना है जियोलाइट का फॉर्मूला दोस्तों जियोलाइट एल्यूमिनियम सिलिकेट के बने हुए मशीन होते हैं ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से सब कुछ ठीक है तो एक एक बटन दबेगा अच्छा आप लोग की चैट अभी चल रही है अपने आप में तुम लोग क्या हो यार मतलब क्या चाहते हो एक दर्शक हमारे लिख रहे हैं सर ये सरकार का आंतरिक मामला सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तुम लोग भी सरकार को पकड़ के बैठ गए हो यार मतलब ठीक है सरकार में देखिए कॉमेडी आपको भी आती है मुझे भी आती है लेकिन सिस्टम में कुछ गलतियों को सही करना जरूरी है बताते रहता हूं मैं आपको इसलिए चल आगे बढ़ते हैं आगे चलते हैं आ जाओ इसकी बात बाद में करेंगे सोच खास नहीं है दोस्तों अच्छा वैक्सीन देखना कितनी कम हो गई है देश में इस समय वैक्सीन लग रही पंद्रह लाख के कल वैक्सीन लगी लोगों को उसके पहले लगभग तेरह लाख लोगों को लगी थी सबसे ज़्यादा यूपी में लग रही है महाराष्ट्र में राजस्थान में लग रही है दोस्तों चौदह लाख जबकि आज से कुछ दिनों पहले वैक्सीन लगने की दर चालीस से पैंतालीस लाख पर डे हो गई थी अब फोटीन लाख पर डे पर आ गई है ये समाकता है कि वैक्सीन की कितनी बड़ी कमी हो चुकी कितनी बड़ी किल्लत है हर कोई लगाना चाहता है लगवाना चाहता है लोग लगाना लगवाना चाहते हैं वैक्सीन को आज से कुछ महीने पहले जब वैक्सीन हेजिटेंसी थी तब 50 लाख लोगों को लग रही थी तब केवल 45 प्लस फाइव लोग लगवा रहे थे अब तो एटीन टू फोर्टी के लिए खोल दिया बड़ा क्राउड है अस्सी करोड़ जनता लगवाने के लिए बैठी हुई है तब फोर्टीन लैख पर डे फोर्टीन लाख पर डे इस सोच लीजिए अब क्या होने वाला है इसका मतलब है कि अब लोग लगवाना चाहते हैं घर से बाहर भी निकलना चाहते हैं वैक्सीन के लेकिन उसके बाद वैक्सीन कमी इतनी है कि जहाँ पचास साठ लोगों को लाख लोगों को लग सकती थी दो सवाल मैं आपको एक एक बात में गुजरे पहले कह रहा था कि भारत सरकार को अपनी सभी सरकारी कंपनियों को आदेश देना चाहिए फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स का एक ग्रुप सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किए इन्होंने कि भारत सरकार को आदेश दिया जाए कि इतनी हमारी सरकारी कंपनियां खाली पड़ी हैं दवा कंपनियां जो बना सकती हैं वैक्सीन जिनके पास स्टैंडर्ड है बनाने का उन्हें बनाने का आदेश दिया जाए सोचिएगा एक्स ब्यूरोक्रेट सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर हो चुके हैं उनका एक ग्रुप पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में पी लगाने के लिए कि जो हमारी आइडियल पड़ी हुई कंपनियां हैं सरकारी कंपनी वैक्सीन बना सकती हैं जिनके पास स्टैंडर्ड लाइसेंस हैं जिनके पास गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जीएमपी लाइसेंस हैं वो वैक्सीन क्यों नहीं बना रही है भारत सरकार जवाब दे और भारत सरकार को निर्देश दे कोर्ट कि उनको काम करने को कहा जाए तो ये समझ सकते हैं आप ये एक बहुत लंबे समय बाद में कह रहा हूँ आप लोगों से कि ये स्थिति नहीं आनी चाहिए थी ये केस वन करोड़ होना चाहिए था आज चौदह लाख के आसपास है तो कहीं ना कहीं वैक्सीन की पॉलिसी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी में हम लोग बहुत गलत काम कर गए हैं उम्मीद करते हैं शायद सबक सीखेगी सरकार और आने वाले सालों में कुछ ऐसा गड़बड़ हो तो हम तैयार हों पहले से वहाँ पर चलिए दोस्तों आगे चलेंगे आपके साथ ओके अब ध्यान सुनिए दोस्तों अगली खबर मेरी आपके साथ ध्यान सुनिएगा भारत और साउथ अफ्रीका ने ध्यान से ध्यान सुनिएगा साउथ अफ्रीका ने डब्ल्यूटीओ की ट्रिप्स काउंसिल के सामने एक नया प्रस्ताव रखा है जी हां एक नया प्रस्ताव रखा है इंडिया साउथ अफ्रीका और जो भी भारत के सहयोगी देश थे उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा है नया प्रस्ताव समझाऊंगा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर आके नया प्रस्ताव क्या है सर सुन लीजिए दोस्तों नया प्रस्ताव क्या ऐसा नया प्रस्ताव दोस्तों ये है कि पहले हमने कहा था कि कोविड वैक्सीन जो है वैक्सीन को पेटेंट फ्री किया जाए इसको बौद्धिक संपदा अधिकारों से आई से फ्री किया जाए उन्मुक्त किया जाए ये हमारा पुराना प्रस्ताव था अब हमारा नया प्रस्ताव है वैक्सीन नहीं वैक्सीन के साथ साथ अदर हेल्थ मटेरियल अदर हेल्थ मटेरियल लाइक रेमसिविर इंजेक्शन हो गया मे बी कोई भी इंजेक्शन यूज़ हो रहा है कोई भी किट आ रही है कोई भी डिटेक्शन किट आ रही है कोई अदर दवाइयाँ आ रही हैं कोई आ, और टैबलेट आ रही है वैक्सीन के अलावा कुछ भी आ रहा है कोविड के इलाज के लिए कोविड के इलाज के लिए बिफोर ट्रीटमेंट हो वैक्सीनेशन की बात हो इलाज के लिए बात हो कोई उससे ब्लैक फंगस हो गया उसके इंजेक्शन की बात हो एनी अदर मटेरियल रिलेटेड विथ कोविड उन सबको किया जाए आईपीआर फ्री जी हाँ दोस्तों ये बात का नया प्रस्ताव है अब केवल वैक्सीन से काम नहीं चलेगा अब हमें सारा मटेरियल चाहिए फ्री यहां पर जी हाँ दोस्तों ये कह रहा है आ, वेवर फॉर ऑल मेडिकल प्रोडक्ट्स जी हाँ ऑल मेडिकल प्रोडक्ट्स कोविड के इलाज के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं उनको टेम्परेरी छूट दी जाए जी हाँ फॉर चेकिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड नाइन्टीन अब तक केवल क्या था सर वैक्सीन अब वो कह रहे हैं सर हेल्थ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी जी हाँ दोस्तों जो भी तकनीकें आ रही हैं जो भी स्वास्थ्य की उत्पाद आ रहे हैं कोविड 19 के इलाज के लिए उन सब को अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए तीन साल या पाँच साल वो अब तय है करेंगे हम लोग को लिए छूट दे दी जाए इनको सर इन पर पे कोई पेटेंट लागू ना हो केवल वैक्सीन नहीं अब हम मांग कर रहे हैं सब चीज़ें वैक्सीन है टैबलेट है इंजेक्शन है रेमसिवियर है कुछ भी है उस पर पे पेटेंट ना लागू हो ये मांगे भारत और अफ्रीका के नए प्रस्ताव के दोस्तों अब यहाँ पर बात चल रही है तीन साल या पाँच साल हम कहते हैं तीन साल बहुत है वो कह रहे हैं कुछ देश कह रहे हैं पाँच साल वो अलग बात है तो वो अलग बात है टेम्परे डिसाइड नहीं हो कितने साल के लिए लेकिन वो एक प्रस्ताव जरूर आया है जिसमें कहा गया है कि भैया हेल्थ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज़ को दिया जाए यहाँ पर तो एक बड़ी बात याद रखिएगा अब तक हमारा ट्रिप्स काउंसिल का प्रस्ताव था वैक्सीनेशन पे को आई से फ्री किया जाए बट हम एक कदम आगे बढ़ गए अब तो अमेरिका हमारे साथ आ गया कुछ और देश हमारे साथ आ गए विकसित देशों में अब हम कह रहे हैं नहीं वैक्सीन नहीं सारे हेल्थ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज ऑल सबको छोड़ो यहाँ पर सबको आईपीआर फ्री करो दोस्तों ठीक है हालांकि लड़ाई जो चल रही है राइट नाउ यहाँ पर वो तीन और पांच साल की है आ, कुछ देश पांच साल की मांग कर रहे हैं और कुछ देश यहाँ पर मांग कर रहे हैं तीन साल काफी रहेगा तो तीन और पांच साल की लड़ाई चल रही है वॉट वो हो जाएगा तो आगे जाकर लेकिन हाल फिलहाल एक एन पॉइंट बात कि कोविड नाइन्टीन पर नया प्रस्ताव भारत की ओर से अफ्रीका की ओर से रखा गया है ट्रिप्स काउंसिल के मंच पर दोस्तों चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से यहां तक सब कुछ स्पष्ट है दोस्तों सब कुछ स्पष्ट है यहां पर ट्रिप्स काउंसिल ऑलरेडी हम काफी अच्छा लेक्चर इस बात कर चुके हैं ट्रिप्स काउंसिल पे पब्लिक ट्रिप्स काउंसिल पब्लिक हेल्थ पर दोहा डिक्लेरेशन सेक्शन वाइज जितने सेक्शन थे हमने पूरे बात की है आपके साथ दोस्तों पब्लिक हेल्थ पर दोहा डिक्लेरेशन याद है ना कब किया है हमने लास्ट फ्राइडे डब्ल्यू का लेक्चर हमने किया है दोस्तों याद करिएगा मिल जाएगा लास्ट लास्ट फ्राइडे आपको हम लेक्चर किया डबलू का दोस्तों एक उसमें सारी बातें मैंने की थी आपके साथ ठीक <coughs> है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं भैया गुजरात जो है ना ब्लैक फंगस का म्यूकोमाइकोसिस का बन गया है हॉटस्पॉट ये कहना है सरकार का लगभग 2000 से ऊपर केस आए हैं सर 250 लोगों की मौत हुई है रिगार्डिंग ब्लैक फंगस के चलते दोस्तों तो गुजरात जो है हॉटस्पॉट बन गया है अपने आप में मेको यानी ब्लैक फंगस का दोस्तों और निश्चित तौर पर काफ़ी जाने जा रही है लोगों की यहाँ पर तो गुजरात दिल्ली दिल दिल्ली नॉट दिल्ली एग्जैक्टली राजस्थान में हमने केस देखे हैं बढ़ते हुए सर कई जगह महामारी घोषित कर दिया गया है कल हमने जाना था कि भारत सरकार इससे एपडेमिक या एक महामारी घोषित कर चुकी है डिजीज़ एक्ट नाइनटीन के तहत महामारी जो हमारा अधिनियम है एटीन का उसके तहत हमने महामारी घोषित कर दिया इसको सर यहाँ पर तो अब गुजरात में हम देख रहे हैं यहाँ पर लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं सर हालांकि कई बातें आ, आ रही हैं ब्लैक फंगस के बारे में कि ये बढ़ रहा है उन लोगों में जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और कोरोना से रिकवर करने में एस्ट्रॉइड काफ़ी प्रयोग किया था उन लोगों ने उनमें केस बढ़ रहे हैं लेकिन निश्चित तौर पर एक गंभीर बीमारी है और इसके लिए टीका आप जानते हैं या इंजेक्शन आपने देखा था हम लोगों ने एम्फोटेरेसिन बी जी हाँ कॉमन इंजेक्शन दिया जा रहा है बाकी नए नए इंजेक्शन और आ गए मार्केट में लेकिन हाल फिलहाल बहुत कॉमन रूप से दिया जा रहा है एम्फोटेरेसिन बी नाम का इंजेक्शन दोस्तों यहाँ पर सरकार कह रही देश में कमी नहीं है एम्फोटेरिसिन बी की यहाँ पर इसको आराम से लगवा सकते हैं दोस्तों चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से नेपाल में संसद को भंग कर दिया गया है और नवंबर में चुनावों की घोषणा कर दी गई है मतलब नेपाल को यार मैं देख रहा हूँ 2001 के बाद से ऑलमोस्ट नहीं बीस साल हो गए मतलब आ, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है वहाँ पर कभी शांति नहीं सुनी मैंने एक साल ढंग से निकल गया ऐसा कभी नहीं हुआ पॉलिटिकली एक साल शांत चला गया पिछले बीस साल से वो देश में कुछ ना कुछ हो रहा है पॉलिटिकली वहाँ पर आ, कभी चुनाव होते हैं कभी संविधान नहीं बन पाता है संविधान बनता है मधे चल पे आ जाते हैं कभी राजा को मार दिया जाता है कभी दूसरे राजा के बैठ जाते हैं दूसरे राजा आते हैं तो लेफ्टिस्ट आंदोलन करते हैं चुनाव होते हैं तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है चार बार चुनाव हो गए संविधान नहीं बना संविधान उनके सात साल में तैयार हुआ फिर मधेशियों का आंदोलन चालू हो गया मधेशी ख़त्म हुए फिर सरकार बनी फिर सरकार अनस्टेबल बनी है बीस सालों मतलब पचास इवेंट मिल जाएंगे जो बड़े बड़े इवेंट हैं नेपाल के कोई बात नहीं एक बार फिर सुन लीजिए नेपाल में के ओली साहब ने जो केयर टेकर पी थे इस समय दोबारा बनाया गया था पीएम उनको कुछ दिनों पहले ही केयर टेकर पी ने घोषणा कर दी है चुनावों की और संसद को भंग करने का सिफारिश उन्होंने कर दी है राष्ट्रपति विद्यादेव भंडारी से जिसके बाद संसद को भंग कर दिया गया है और नवंबर में चुनाव की घोषणा कर दी गई है दोस्तों जबकि नेपाल इस समय कोविड 19 से जूझ रहा है हालांकि विपक्षी पार्टियां चली गई हैं सुप्रीम कोर्ट में उनका कहना है विपक्षी पार्टियों का कहना है कि एक सरकार जो इसके अध्यक्ष के पी ओली हैं पीएम हैं इस समय देश के आखिर के पी ओली जो खुद मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए संसद में उनकी कैबिनेट के कहने पर राष्ट्रपति कैसे लगा सकती हैं संसद को भंग कर सकती हैं भागव यही दोस्तों में ये होता है हमारे यहाँ जो पीएम एम मेजोरिटी में नहीं है जो कैबिनेट मेजोरिटी में नहीं है जिसने मेजोरिटी प्रूव नहीं की फ्लोर पर उसका कहने पर राष्ट्रपति कार्य करे अनिवार्य नहीं है तो यहाँ पर आ, संसद मेजोरिटी खो चुके हैं के पी ओली साहब एक बार हटना पड़ा उनको दोबारा फिर बना दिया दोबारा विश्वास मत हासिल किया नहीं उन्होंने अभी तक और उसके पहले उन कैबिनेट ने कहा कि रिजॉल्व करते हैं पार्लियामेंट को तो निश्चित तौर पर एक नॉन मेजोटोरियन अगर मैं कहूँ अपनी भाषा में तो एक ऐसी सरकार जिस पर विश्वास नहीं है संसद को वो कैबिनेट कह रही है राष्ट्रपति को भंग कर दीजिए लोग संसद वहां की ये अपने आप में किसी भी देश में गलत होगा और नेपाल में भी गलत है ये और नेपाल की विपक्षी पार्टियाँ चली गई सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ देखते हैं नया एक आदेश आने वाला है दोस्तों हाल फिलहाल के पी शर्मा ओली की जो यहाँ पर एक केयर टेकर गवर्नमेंट है उनकी कैबिनेट ने क्या कहा कि भैया इसको भंग कर दिया जाए संसद को भंग कर दिया गया दोस्तों ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके साथ आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से सब कुछ ठीक है दोस्तों हमारे बीच सब कुछ ठीक है टेल मी सब कुछ ठीक है मतलब अगर एक बार एक दो मिनट दो मुझे क्विक स्कैन कर टाइमलाइन में मोटा मोटा टाइमलाइन स्कैन कर दूं नेपाल का आपके लिए फटाफट एक फटाफट नेपाल का टाइमलाइन स्कैन कर दूंगा आपको दो मिनट दीजिए बस ज़्यादा नहीं लूंगा फ्रॉम इस सेंचुरी के अनवर्ट से बात में करूँ आपके साथ यहाँ से क्राइसिस स्टार्ट हुआ जब एक राजकुमार ने परिवार हत्या राज की हत्या कर दी राजा साहब की हत्या कर दी पूरा परिवार नष्ट हो गया खुद भी मर गए दीपेंद्र उसके बाद सौतेले भाई सत्ता में बैठे ज्ञानेंद्र राजा ज्ञानेंद्र बने राजा ज्ञानेंद्र के राजा बनने के बाद से वहाँ पर लेफ्टिस्ट आंदोलन जो राजशाही के खिलाफ था स्ट्रांग होता है राजशाही खिलाफ लेफ्ट आंदोलन वर्सेज राजशाही जो थी वहाँ की राजा ज्ञानेन्द्र वाली ये मूवमेंट चलता है पाँच सात साल उसके बाद लेफ्ट को सपोर्ट मिलता है यहाँ की नेपाली कांग्रेस का डेमोक्रेटिक पार्टियाँ प्लस लेफ्टिस्ट आंदोलन एक साथ आते हैं प्रेशर पड़ता है राजा पर राजा ने कहा ठीक सत्ता छोड़ रहा हूँ मैं संविधान बनाइए चुनाव करिए संविधान बनाइए और संविधान से देश चलेगा ठीक है तो यहाँ पर संविधान सभा के चुनाव कराए जाते हैं 2008 के अंदर बाद संविधान सभा के चुनाव कराए जाते हैं और लेफ्ट है नेशनल कौंग, नेपाली कांग्रेस जो है, लेफ्ट हैं लेफ्ट पार्टियां और नेपाली कांग्रेस एक सेवन पॉइंट एजेंडा तैयार करती हैं कि नेपाल कैसे चलेगा तो सेवन पॉइंट एजेंडा तैयार होता है इनके बीच में उसमें एक पॉइंट था राजशाही खत्म की जाएगी रिपब्लिक गवर्नमेंट तैयार की जाएगी अंधारा राजा का पद खत्म कर दिया गया इसके बाद चुनाव हुए संविधान बनना चालू हुआ चुनाव में किसी को मेजोरिटी क्लियर नहीं मिली संविधान सभा में किसी का क्लियर मेजोरिटी नहीं थी इसलिए संविधान तैयार होने में बहुत समय लग गया क्योंकि एक कॉमन एजेंडा एक कॉमन सहमति बनने में बहुत समय लग गया फाइनली सात साल बाद संविधान तैयार हुआ दो में संविधान तैयार हुआ और संविधान में निश्चित तौर पर पहाड़ी जो लोग हैं वहाँ के जो गोरखा लोग हैं जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनको मेजोरिटी दी गई उनको संख्या ज़्यादा दी गई जो मदेशी लोग रहते हैं नीचे तराई के इलाकों में दोस्तों संविधान तैयार हुआ उसके बाद जो पहाड़ी लोग रहते हैं पहाड़ी इलाकों में और जो मधेशी रहते हैं तराई के इलाकों में इनको सीट ज़्यादा दी गई इनको सीटें अधिक दी गई संसद के अंदर इनको कम सीटें दी गई मधेशी ने विरोध करना चालू किया इसके खिलाफ और दो साल तक मधेशी आंदोलन चलता रहा जिसके बाद नेपाल के संबंध भारत के साथ खराब हो गए इसके बाद संबंध ठीक चल रहे थे लेकिन मदेशी आंदोलन के बाद संबंध बहुत खराब हो गए भारत के साथ इसी बीच में नेपाल में अर्थक्वैक आया दोस्तों एक बहुत शानदार एक बहुत ही ऐसा अर्थक्वैक जो एशिया साउथ एशिया में बहुत समय तक नहीं आया था लेकिन उस उस बहुत बड़े शानदार बोल रहा हूं मैं शब्द यहां पर उस शानदार भूकंप ने सब कुछ जल्जला कर दिया खत्म कर दिया नेपाल को उस उस उस, उस मुझे कहना चाहिए इस भूकंप ने सर भूकंप के एंडसिटी बहुत बड़ी थी अपने आप में वैज्ञानिकों के लिए हिमालय क्षेत्र में तब भूकंप एक बहुत अचीवमेंट माना जाता है इतना बड़ा भूकंप मिलना कि या इतना बड़ा भूकंप आया नहीं बहुत कुछ स्टडी कर पाएंगे वैज्ञानिक हमारे लेकिन उसके बाद जो हुआ भूकंप से नेपाल बहुत नुकसान हुआ नॉर्थ इंडिया को नुकसान हुआ हमारे काफ़ी उसके बाद नेपाल रिकवर नहीं कर पाया कभी सर नेपाल कभी रिकवर नहीं कर पाया उसके बाद और लगातार सरकारें अस्थिर होती गई जनता का विश्वास कम होता गया लेकिन भारत के साथ संबंध जो खराब हुए के ओली के पी बने थे उस समय वो उसके चुनाव के बाद और उसके बाद वो चीन की तरफ जाते हैं चीनी तरफ झुकाव होता है उनका यहाँ पर संबंध भाव से खराब हो रहे थे झुकाव चीनी तरफ होता है भारत सरकार लगातार आ, बैलेंस करती रही विपक्षी पार्टियों के साथ अपने आप को लेकिन अभी हाल में नेपाल की जो लेफ्ट पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही थी उनमें फूट पड़ गई आंतरिक कारणों से फूट पड़ गई सर के पी ओली की लीडरशिप पसंद नहीं आ रही उनको यहाँ पर उन्हें समर्थन वापस लिया के पी ओली से अब नए चुनाव की बात आ रही है देखते हैं क्या होता है हाल फिलहाल नेपाल की ये समस्या बनी रहेगी आने वाले सालों में और नेपाल एक बहुत अहम पड़ोसी है हमारे लिए दोस्तों बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना अपने आप में वो ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ कभी और चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पर एक एक कमेंट पढ़ लीजिए सोचते मतलब मतलब अच्छा लगा कमेंट आ, एक, एक स्टूडेंट हैं एक दर्शक हैं उन्होंने कहा कि सर ने एन नहीं पढ़ाई कभी भी इकोनॉमी की क्वेश्चन मार्क यूट्यूब पर बहुत ढूंढा नहीं मिला डॉट सर इकोनॉमी के टीचर हैं तो एन क्यों नहीं करवाई मैं इकोनॉमी का टीचर हूं तो एन मैंने क्यों नहीं करवाई गुड क्वेश्चन जब करवाई थी तब तो आप लाइव नहीं आए थे अनदर गुड क्वेश्चन अब मैंने कहाँ कराई थी वो ढूंढ लेना मिल जाएगी दोस्तों मैंने एन कराई है दोस्तों एन के मैंने पार्ट कराए हैं आपको नहीं कराए बताइए इलेवंथ के एन हमने की है क्या नहीं और नहीं भी कराई तो कैंसर पड़ता है एन खुद पढ़ लो यार एन पढ़ने में क्या है ठीक है ना बस परेशान क्यों होते हो यार इतना इतना बड़ा मुद्दा क्या है कि एन नहीं कराई सर ने एन सी आर टू तो खुद से पढ़ने की जी बट सिक्स क्लास सेवन क्लास पढ़ूंगा एन सी आर टी हम आप लोगों को अब खुद पढ़ो तो आराम से आप न बनो यार भारत को एन सी आर टी भी को पढ़ाता है क्या यार एन सी आर टी खुद से पढ़ने कीजिए एन सी 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 आर टी सिंपल भाषा पीछे क्वेश्चन होते हैं सॉल्यूशन लो एन सीआर टी का देखो आंसर क्या है पढ़ो एन सी आर टी को की वर्ड ढूंढना उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट ढूंढना जरूरी है तो एन सी आर टी पढ़ना जरूरी है मैं पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूँ पढ़ना बहुत जरूरी है लेकिन उसको भी अगर मैं कराऊंगा तो बाकी काम कौन कराएगा फिर ना तो और आपने सही पकड़ा मैं मैं इकोनॉमी का टीचर नहीं हूँ ठीक है ना चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से अरे ठीक है मैं नहीं कराई एन सी मैं स्वीकार करता हूँ यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है सबको दुनिया देख रही है मैं स्वीकार करता हूँ मैंने एन नहीं कराई अब कुछ आँगे अब कोई सवाल मैं स्वीकार करता हूँ मैं क्रोमिका टीचर भी नहीं हूँ को ठीक है अब ठीक है स्वीकार किया मैंने चलो आगे बढ़ जाएं कल आके रहूँगा बड़े दो चार आंसू की राहूंगा फिर आप लोग मान जाएंगे ठीक नहीं सर ठीक है सब बढ़िया है अच्छा है नहीं कराई सर आपने सब चलता है हमारे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों मुझे भी आती है आंसू डिप्लोमेसी करना यार आपको क्या लगता है देश में कुछ ही लोग कर सकते हैं चलो हम भी कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ ओके <coughs> okay, कहां गए भैया देखो चक्रवात तूफान यास नाम दिया उमान ने आ रहा है बंगाल की खाड़ी में छब्बीस मई जी हाँ छब्बीस मई डेढ़ तारीख तय कर दी गई है इसकी सर छब्बीस मई को इसकी मुलाकात होगी हमारे तटों के साथ हमारे ईस्ट कोस्ट के साथ जी आ, दोस्तों ईस्ट कोस्ट के साथ और ये होगा सर एक वेरी सीवियर साइक्लोन दोस्तों जी हाँ उड़ीसा बंगाल जो भी दोस्त देख रहे हैं तटों के आसपास रहते हैं सावधान रहिए है, आईएमडी ने घोषणा कर दी है बहुत ही गंभीर प्रकार का वेरी सीवियर साइकिलों स्ट्रोम दोस्तों वेरी सीवियर साइकिलों स्ट्रोम होगा दोस्तों ये जो टकराएगा 26 तारीख को बंगाल उड़ीसा और बांग्लादेश के तटों से दोस्तों यहाँ पर ये तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में एक चक्रवात और देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर ओमान ने नाम दिया दोस्तों इसका साइक्लोन हाथ बन गए हैं और निश्चित तौर पर बड़े स्केल पर नुकसान होगा सर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनते हुए दोस्तों अभी हमने देखा तावते के बाद में कली कर रहा था आपसे और अब तावते के बाद एक नया चक्रवात यास जो बन रहा है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रोन दोस्तों अच्छा दोस्तों मैंने एक, एक छोटा सा मैं कह रहा था आपसे एक करंट अफेयर का क्लास है मैं आपके लिए प्ले करवा दूंगा आज तो रिकॉर्ड हो गया है वो तो उसको आप लोग देख लीजिएगा कुछ खबरें हैं उसमें जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी तो जो हफ्ते की छुट्टी हुई खबरें हैं उसको मैंने करा दिया है तो तो आपको मैं अपलोड करवा दूंगा इस अपने चैनल पर इस चैनल पर तो आप उसको देख लीजिएगा आराम से कुछ खबरें घंटे का लेक्चर होगा हार्डली डेढ़ घंटे का लेक्चर होगा तो आज रात में या कल सुबह सुबह उसका टाइम मिले तो देख लीजिएगा कुछ खबरें मिल जाएंगी स्कैन करके देख लीजिए कम से कम कि कुछ लगे काम का है तो वहाँ पर स्कैन जरूर कर लीजिएगा उसको अपना अभी हमने ऐप पर किया तो दो दिन पहले उसको ऐप पर कराया था मैंने आपको तो उसको मैं सैटरडे को ऐप पर कराया था मैंने कल सुबह तो उसको मैं यहाँ करवा दूँगा प्लस कुछ और भी जुड़ा इसके अंदर मैंने इससे कम्प्लीट हो गया वो टॉपिक तो कुछ खबरें जो छूट पाई हैं छूट गई हैं अपनी यहाँ पर उनको मैंने उसमें करा दिया इसे पूरा हो जाए आपका टॉपिक ठीक है सर चलिए ओके भैया अगली खबर सुन लो दोस्तों यूपी में गन्ने के खेत पर अटैक हो रहा है कीटों का जिया दोस्तों कीट अटैक हो रहा है क्यों हो रहा है सर वेदर फ्लक्चुएट हो रहा है गर्मी सर्दी ह्यूमिड गर्मी सर्दी ह्यूमिड डस्ट ह्यूमिड ये सब कुछ चल रहा है इन सब कारणों से क्या हो रहा है सर यहाँ पर हो रहा है पेस्ट अटैक जी हाँ दोस्तों यहाँ पर गन्ने के पेड़ों पर पे सर या गन्ने के जो बाग हैं उसमें सर पाइलेरिया या ग्रास ओपर एफ ए डब्ल्यू फॉ की बात करें या ब्लैक बग की बात करें जी हाँ दोस्तों ये सब कीट लग रहे हैं कहाँ पर गन्ने के खेत में गन्ने के खराब कर रहे हैं गन्ने को सर यहाँ पर ये और निश्चित तौर पर इससे गन्ने की प्रोडक्टिविटी पर असर आ सकता है तो यूपी सरकार निर्देश दे दिया है अपने अधिकारियों को जाइए छिड़काव कीजिए अवेयर कीजिए लोगों को इसके बारे में तो प्रिवेंट कीजिए इंसेक्ट को इन कीटों को लगने से तो ये क्यों हो रहा है फ्लक्चुएशन इन द वेदर कंडीशन जी हां मौसमी गतिविधियों में ये जो मूलभूत ये परिवर्तन आप देख रहे हैं जो फ्लक्चुएशन देख रहे हैं आप जो ये परिवर्तन देख रहे हैं इन कारणों से बीमारियां बन रही हैं चाहे वो ग्रास ऑपर हो फॉलियाम वाम हो ब्लैक बग हो इन सब के नाम याद कर लीजिएगा एग्जाम में आएगा निम्नलिखित में से कौन कौन से कीट गन्ने के पौधे को खराब कर सकते हैं चार ऑप्शन होंगे ए बी सी डी सबका आंसर ऑल होगा अभी से लिख के बता रहा हूँ ठीक है ना बिना देखे लगा देना ऑल ठीक है सोचना मत ज्यादा तो वायलिया की बात करें ब्लैक ग्रास ऑपर की बात करें फॉलियाम की बात करें या ब्लैक बग की बात करें चारों ही कीट खराब कर रहे हैं आपके गन्ने के पौधे को दोस्तों यहां पर ये ठीक है एक मित्र हैं हमारे दर्शक सोनम जो पूछ रहे हैं पूछ रही हैं बंगाल बे ऑफ बंगाल में ही ज्यादा साइक्लोन क्यों आते हैं सर

उनका मानना है भैया हमें दोबारा अटैम्प मिलना चाहिए हमारा लास्ट अटैम्प्ट था लास्ट ईयर हम दे ही नहीं पाए या हमने दिया हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ हम क्यों नहीं दे पाए क्योंकि हमारे लॉकडाउन था पढ़ाई नहीं हो पाई तैयारी नहीं हो पाई थी सब कुछ बंद था हम अनिश्चित थे नहीं दे पाए ये असलिन दे पाए तैयारी क्यों नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग कई डॉक्टर्स हैं कई फ्रंट वर्कर्स थे कई की ड्यूटी लगी हुई थी कोरोना में हम वो ड्यूटी करते या पढ़ाई करते तो वो पहुंच गए कोर्ट में अब कोर्ट कह रहा है भैया सरकार से पूछो यार सरकार को अप्लीकेशन दो सरकार से पूछो सरकार क्या करना चाहती है आपके साथ तो यू के, के कैंडिडेट पहुँच गए हैं जिनका लास्ट अटैम्प्ट था लास्ट ईयर वो पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने के लिए ठीक है सर उनका मानना है कि उन्हें एक चांस और दिया जाए इस साल उन्होंने कहा कि ये एक विशेष परिस्थितियां हैं जहां पर ऐसे काम किए जा सकते हैं यूपीएससी खुद कह चुका है विशेष परिस्थितियों में मोस्ट एक्सेप्शनल में विशेष हालातों में ये मौका दिया सकता है दोस्तों तो यहां पर विशेष हालातों की मांग की है उनका मानना है कि जी हाँ दोस्तों तो यहाँ पर मौका चाहिए इनको फिर सारे हमारे कैंडिडेट गाना गाएंगे लास्ट में उम्मीद करेंगे काफ़ी सिलेक्ट भी हो जाएंगे हमारे कैंडिडेट हमारे एस्पायरेंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे काफी उसमें उम्मीद करते हैं दोस्तों तो चार अक्टूबर दो को उनका अंतिम अटेम्प था उनको प्रयास देने की बात की गई है लॉजिकल बात तो है काफी हद तक क्योंकि जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है इस समय इसमें कोई दो राय नहीं है कि अटैम्प्ट मिलना भी चाहिए बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इसमें एक डॉक्टर हैं जो डॉक्टर विष्णु शिवाजी इन्होंने अपना फाइल लिखी है मेडिकल डॉक्टर हैं पुणे में हैं और कोरोना के टाइम सेवाएं दे रहे थे सिविल सर अपने अपने अस्पताल में वो और एक फ्रंट वर्कर थे वो कोरोना वॉरियर थे अपने आप में उनको पढ़ने का समय नहीं मिला बिल्कुल लॉजिकल बात है अपने आप में तो क्या सबको मौका मिलना चाहिए सरकार तो पिछले साल जो कह सोलह वो कह रहे थे कि पंद्रह दिन के अंदर तैयारी हो जाती है यू की तो यू पी है क्या मतलब ऐसे सरकारी वकील थे वो कोई बात नहीं कोई बात नहीं उस पर नहीं जाएंगे हम लोग लेकिन देख लेते हैं क्या कर रहा है यूपीएससी हाल फिलहाल यूपीएससी ने पूछा सरकार से कि आपका मत क्या है इस बारे में इस अपील पर आप क्या कहते हैं चलिए देखते हैं आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग यहां से आगे चलेंगे आपके साथ ओके okay. एक खबर दोस्तों अगली खबर पे आते हैं हम लोग यहाँ पर भारत सरकार ने जितने भी डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं इनसे कहा है जनाब आप हटा दीजिए डिजिटल ये जो डिजिटल मीडिया पे चल रहा है इंडियन वेरिएंट का कॉन्सेप्ट इंडियन वेरिएंट लिखा जा रहा है हर जगह पर आ, नए प्रकार के म्यूटेंट वायरस को आप कह रहे हैं इंडियन वेरियंट है ये इसको हटा दीजिए इंडियन वेरियंट ना भी कोई चीज़ ही नहीं है तो फेक न्यूज़ है अपने आप में जो कह रहे हैं ना आप लोग बी डॉट वन डॉट सिक्स वन सेवन इसको इंडियन वेरिएंट बोला जा रहा है लंदन वेरिएंट साउथ अफ्रीकन वेरिएंट ब्राज़ील वेरिएंट की तरह इंडियन वेरिएंट बोल रहे हैं आप ये गलत है इसको हटाइए सोशल मीडिया से तो भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनीज़ को इमिडिएटली तुरंत कहा है हटाओ यहाँ से इस कंटेंट को जिसमें इंडियन वेरियंट का नाम मैंशन किया गया है और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाओ कोविड नाइन्टीन के बारे में तो भाषा का बहुत परेशानी में है कि हटाओ भैया इंडियन वेरियंट नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया में ये डब्ल्यू भी नहीं मान रहा इंडिया में केस पाएगा इंडियन वेरियंट नहीं का डब्ल्यू ने बात बिल्कुल सही है दोस्तों हटाना चाहिए इस मिस इन्फॉर्मेशन को सही बात है सरकार की प्राथमिकता माना चाहिए सरकार की कि नाम खराब कर रहा है कोई दुनिया में हमारा उस नाम को हटा दिया जाए दूसरी सो तो आईटी मिनिस्ट्री ने दोस्तों आईटी मिनिस्ट्री ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लिखा है लेटर उस लेटर में कहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं अटैच किया इस वेरिएंट को किसी भी देश के नाम के साथ तो आप इसे इंडियन वेरिएंट मत कहिए ये नाम इंडियन वेरिएंट नहीं कहाना चाहिए तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है झूठी जानकारी कहलाएगी ये ठीक है सर तो उसको मैं इंडियन वेरियंट ना कहूँ तो मैं वेरियंट इन इंडिया कह सकता हूँ क्या मैं इसको वेरियंट इन इंडिया ये चल जाएगा ना मतलब ये तो मैं कह सकता हूँ वेरियंट इन इंडियन केसेस ऐसा बोल सकता हूँ इंडियन वेरिएंट नहीं मतलब नाम के पीछे क्यों इतने परेशान रहती है सरकार समझ में नहीं आता मतलब ठीक है अच्छी बात है नाम बदनाम नहीं होना चाहिए मेरा मुझे याद आता है एक बहुत पुरानी केस की के बात सुनाऊँ दोस्तों ना बहुत पुरानी बात हो गई है धुंधली सी याद है मुझे हल्की फुल्की याद है मुझे याद नहीं आता साल एग्जैक्टली क्या था लेकिन बहुत पुरानी बात है मतलब शायद पढ़ाना शायद मैं शुरू ही किया हुआ उस साल एक एक नाम आया था मुझे याद है उस समय ना ऐसी केस आया था तब भी और मामला था सुपरबग का सुपरबग जो होता है सुपरबग अपना बग के ऊपर बग सुपरब यानी जो बैक्टीरिया पर असर नहीं पड़ता एंटी बैक्टीरियल दवाइयों का एंटी माइक्रोबियल डिजीज़ कह लीजिए ए बी ए आ बी एम बोल लीजिए एंटी बैक्टीरियल माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल रजिस्टेंस जो होता है सुपर बग आया था उस समय मार्केट में एक नया नया और उस सुपर बग का जो नाम था न्यू दिल्ली सुपर बग था दोस्तों वो मुझे याद आता है नाम सुपर बग का नाम था न्यू दिल्ली के नाम पर उसमें बहुत हंगामा हुआ था मालूम मैं जैसे उसका नाम क्या रखा गया था सुपरबग एन डी एम वन एन डी वन है न्यू डेली इसका नाम में छुपा हुआ था इसका नाम में न्यू डेली छुपा हुआ है एन डी एम वन जो है इसका नाम पूरा नाम था इसका एन डी एम वन का न्यू डेली मेटेलो बी लेक्टामेज वन ठीक है आ, पहली बार आ, इंडिया में 2008 में देखा गया तो यार, की बात, है। दो यार की बात हो सकते हैं बहुत पुरानी बात हो गई है दो हज़ार आठ की बात वहाँ पढ़ा चालू मैंने किया था मैंने कहा आपसे तो दो हज़ार नौ से पढ़ा रहा हूँ मैं तो तब की बात है आठ में आया था केस ये और इसका नाम एन रख दिया गया बड़ा हंगामा हुआ देश के अंदर दुनिया के अंदर कि हाँ ना इसका नाम एन डी एम को रख दिया आपने पहली बार पाया गया था एक स्वीडिश स्वीडिश पेशेंट था जो सर्जरी के लिए भारत के अस्पताल में आया था जो अपना इलाज करने भारत के अस्पताल में आया था मेडिकल टूरिज्म पर आया था भारत में और जब वो अपने देश वापस पहुंचा इलाज करा कर तो उसमें पाया गया सुपर बग क्योंकि उस पर किसी दवाई ने काम करना बंद कर दिया था तो पाया गया कि उसकी बॉडी में ये एन डी एम वन नाम का ये सुपर बग आ चुका है तो उसका नाम रख दिएगा एन डी वन कोई समस्या नहीं है <coughs> तो ऐसे में उस समय बहुत हंगाम होगा कि भारत का नाम खराब करने की साजिश है दुनिया में ये भारत जो मेडिकल टूरिज्म में आगे बढ़ रहा है उसको ये परेशान करने की बात है उस समय एक लॉजिक चला था मुझे याद आता है सुना दूँ मैं आपको यहाँ पर उस समय इंडियन टूरिज़्म इंडस्ट्री इंडियन, इंडियन मेडिकल टूरिज्म बहुत पीक पर था बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था आज से बारह तेरह साल पहले और मेडिकल टूरिज्म बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था इंडिया का और आसपास के साउथ एशिया के देश यूरोपियन पेशेंट बहुत आते थे आजकल सस्ता इलाज होता था इंडिया में अच्छे डॉक्टर्स भी थे सस्ता इलाज भी था इंफ्रा भी ठीक ठाक था शहरों का हमारे पास तो लोग काफ़ी इलाज करने आते थे अब जब ये मालूम पड़ेगा कि आपके अस्पतालों में जो इलाज करा रहे लोग हैं उनको एन डी आ जाता है न्यू डेली बग आ, आ जाता है तो लोग कब आएंगे बाहर से डर हो जाएगा कम आएंगे और कुछ हद तक असर ही पड़ा इसी सरकार ने इसका विरोध किया नहीं नहीं गलत बात है यार हमारा मेडिकल टूरिज़्म इससे ख़राब होगा एक लॉजिक था रीजनिंग थी आज इंडियन वेरिएंट कहने में या वेरिएंट इन इंडियन केसेस कहने में क्या कोई असर पड़ रहा है यहाँ पर क्या लंदन वेरिएंट कहने से मैं लंदन जाना कम कर दिया कि लंदन वेरिएंट फैला हुआ है मैं नहीं जाऊँगा वहां पर हमारी टीम क्रिकेट की खे, टीम खेलने जा रही है दो दिन बाद वहाँ पर अभी जी ट्वेंटी का मीटिंग तो जून में गए नहीं पी साहब केस बढ़ गए वरना जाने वाले थे जी ट्वेंटी के मीटिंग पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन में होने वाला था इस हफ्ते वो जून में होने वाला है पी साहब जाने वाले थे तो लंदन वेरियंट कहने से असर पड़ रहा है कि किसी कुछ यहाँ पर नहीं नहीं तो ऐसे में फोकस हमारा क्या होना चाहिए कि हटाएं उससे बेहतर है हम लोग ये माने कि ये गलत बात है अपने आप में फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन सरकार का फोकस एरिया क्या होना चाहिए हमें क्लियर होना चाहिए यहाँ पर कि लोगों को अवेयर किया जाए कि ऐसा कोई वेरियंट नहीं है मिस इन्फॉर्मेशन हटाने से बेहतर है उसको सही कराना कि वेरियंट जो भारत में केस पाए गए हैं वो इस वायरस के कारण है तो आप उसको अवेयर करें लोगों को या कि उसको हटाकर उसको छुपाने का प्रयास करें बात करती है इसको सही करने का प्रयास किया जाए कि जो गलत जानकारी थी वहाँ लिखें कि भारत में अधिकतर केस इसके पाए गए हैं लेकिन इसका नाम इंडियन वेरियट नहीं है मैं लाइन को हटा दूँ वहाँ से छुपा दूँ उसको तो ये गलत बात होगी उसको सही करना ज़रूरी है ना कि इसको हटाया जाना ठीक है चले कभी और बात करेंगे इस मुद्दे पर आपके साथ सही हमारे एक मित्र शर्मा जी कह रहे हैं शर्मा जी का लड़का कह रहा है हमसे कि सर नाम में कुछ ही रखा तो आपका नाम आप रावण रख लीजिए ओके दोस्त आप मुझे रावण कह सकते हैं आपकी स्वतंत्रता है मना नहीं करूंगा जो मन मैं कहा करो ना यार हम तो अपने टीचर का क्या क्या नाम रखते थे मतलब बोल भी नहीं सकता पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अभी हंगामा हो जाएगा तुरंत तो नाम रखने में किसने मना किया रखो खूब नाम रखो यार अब क्या है ना टेंथ की डिग्री बन चुकी टेंथ का सर्टिफिकेट ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट कॉलेज आ, मेरे सारे बैंक पेपर्स सारा पासपोर्ट सब एक नाम से बना हुआ है नाम चेंज करूँ संभा परवाना पड़ेगा क्लास बंद करनी पड़ेगी कुछ दिन आपकी तो नाम तो बदल लूँ मैं अपना लेकिन मुश्किल आपकी हो जाएंगी फिर ना तो आपका ध्यान आती है सोचते हैं नाम जो ठीक है रहने दो या चलने दो ठीक है ना तो उसको समझो बेटा चलो आगे चलते हैं आपके साथ कोई बात नहीं आप नहीं समझोगे कोई अंतर नहीं पड़ रहा दोस्तों इंडियन वेरियंट कहा इंडियन वेरेंट नहीं कहना चाहिए गलत होगा मिस इनफॉर्मेशन होगी इंडियन वेरियट ना कहा जाए इसको लेकिन अफकोर्स भारत में केस काफ़ी हैं तो एटलीस्ट मुझे पहचानने के लिए कुछ तो नाम होना चाहिए ना किस चीज़ का कि यार ये नाम मैं रखूँ इसका अब बी डॉट वन डॉट सिक्स वन सेवन याद रखना बड़ा मुश्किल काम है मालूम है आप जब मैम लोग याद है जब हम लोग अपने आई टी इंजीनियरिंग कर रहे थे तब एक नंबर मतलब आई पी एड्रेस होता था अब मैं कहूँ आई पी एड्रेस ये अब यार ये कैसे याद करूँगा बताओ यार मैं नहीं रहेगा ना याद तो मैं इसका नाम दे दिया गूगल डॉट कॉम डोमेन नाम दे दिया याद हो गया मुझे अब डोमेन नाम देने से चीज़ें याद हो जाती हैं तो आप अगर मैं कहूँ बी डॉट वन डॉट सिक्स सेवन ये मुझे याद नहीं हो रहा यार नंबर तो मैं इसको कह दूँ हाँ भारत में बहुत सारे केस पाए गए हैं इसके वेरियंट जिस तो इंडिया में बहुत ज़्यादा केस पाए गए वेरियंट इन इंडियन केसेस तो याद करने में आसानी हो जाएगी थोड़ा सा आप लिख पाएं आप याद कर पाएँ आप सोच पाएँ तो वेरियंट इन इंडियन केसेस कह दूँ मैं तो चल जाएगा ना इंडियन वेरिएंट चलिए वो आपको लगता है कि गलत नाम होगा बिल्कुल ठीक बात है उसका नाम ही रखेंगे हम लोग लेकिन कुछ तो याद करने के लिए रखोगे ना इसको है यार ये वेरिएंट है इससे बहुत सारे केस आए हैं या डबल म्यूटेशन वायरस या कुछ तो कहूँगा मैं इसको याद करने में आपको आसानी हो वेरियंट इंडिया में केस तो आ रहे हैं आपको मानना पड़ेगा इसके तो बोल दीजिए बाद में केस इस, इस, इस वायरस के हैं तो वेरियंट वो वेरियंट जिसके इंडिया में केस हैं ऐसा बोल लीजिए क्या अंतर पड़ जाएगा चलिए सरकार के साथ रहेंगे हम लोग सरकार के आगे रहेंगे सरकार के साथ रहेंगे सरकार का सहयोग करेंगे ठीक है दोस्तों गूगल पूरा कहेंगे स्पेल कर दिखे सरकार ने चलिए सर आगे बढ़ते हैं आगे चलते हैं आपके साथ भैया इसराइल और हमास में हो गया है एक थोड़ा सा पीस थोड़ा सा संघर्ष विराम थोड़ा सा वहाँ पर हो थोड़ा सा बोल रहा हूँ अभी दोबारा चालू होने वाली है ऐसा मानना है लोगों का कि ये जो जो शांति हुई है बहुत कम समय के लिए हुई है इनको दोबारा लड़ाई शुरू करने वाले हैं पक्की बात है यहाँ पर तो इसमें माना गया कि हाँ जो इजिप्ट है उसने मध्यस्थता निभाई है तो सीज़ फायर हो गया एक प्रकार से यहाँ पर सर इसकी चर्चा मैं करूँगा अलग से मुद्दे पर लेकिन अभी अभी समय नहीं आया तो उनका मानना है कि ये जो अभी जो ब्रेक हुआ है कुछ समय के लिए हुआ है ये लड़ाई फिर चालू हो सकती है सर यहाँ पर फिर चालू हो सकती है आ, तो निश्चित तौर पर जो मुद्दा था मेन मुद्दा था जो फायरिंग हुई थी और जो अलग सा मस्जिद वाला मुद्दा था उसके बाद से अभी मामला सुलझा तो है नहीं वो तो एक पास सीज फायर हो गया है दोनों देश दोनों पक्ष सांस दोनों देश तो नहीं कहूँगा एक आतंकी समूह है और एक देश है तो आ, हमास जो एक आतंकी समूह कहते हैं है उसको हम लोग आतंकी समूह है और एक तरफ एक देश है इसराइल तो दोनों थोड़े सांस लेंगे हथियार इकट्ठा करेंगे ताकत इकट्ठी करेंगे फिर लड़ना चालू करेंगे ठीक है ये इनकी नियति में है धर्म के नाम पर जब देश बनाओगे तो ऐसी चीज़ें बनेंगी और कुछ नहीं बन सकता धर्म के नाम पर जब देश बनाए जाते हैं तो हिंसा ही मिलेगी आपको हमेशा उस देश में शांति नहीं हो सकती ठीक है दोस्तों चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई अन्य देश हो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ से दोस्तों कुछ और खबर देख लेते हैं आपके साथ फटाफट हम लोग यहाँ पर <coughs> कुछ और खबरें देखेंगे दोस्तों आपके साथ कुछ वन लाइनर खबरें हैं मेरे पास जो मैंने सुबह क्लास में कराई थी लेकिन कुछ चीजें देख लेते हैं फटाफट फटा हम लोग आपके साथ वन लाइनर खबरों में ओके okay, एल्डर लाइन दोस्तों एल्डर लाइन क्या है वन लाइन सुन लीजिए एल्डर लाइन एक हेल्पलाइन स्थापित की गई है बुजुर्ग लोग जो हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको कोविड की कोई भी समस्या है कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कोविड महामारी के दौरान हमारे सीनियर सिटीजन को कोई भी इशू है एल्डर लाइन स्थापित की गई है दोस्तों एल्डर लाइन स्थापित की गई है जिसमें वो हेल्पलाइन लाइन एक प्रकार की एल्डर लाइन स्थापित की गई है दोस्तों जिसमें वो मदद प्राप्त कर सकते हैं बाय स्टैब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस वन लाइन न्यूज सारी वन लाइन न्यूज़ है सारी की सारी सुन लीजिए वन लाइन फैक्ट हैं तीन चार फैक्ट है दोस्तों इस हफ्ते के काम के फैक्ट सुन लीजिए एल्डर लाइन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस स्थापित किया है दोस्तों सामाजिक न्याय मंत्रालय का है सर ये पहला फैक्ट एल्डर लाइन नंबर याद नहीं करना आपको क्यों सीनियर सिटीजन को कोविड के दौरान कोई भी काउंसलिंग कोई भी आवश्यकता है तो यहाँ पर फोन कर सकते हैं दोस्तों पांच राज्यों में लॉन्च हो चुका था पूरे देश में इसको लॉन्च किया जा रहा है जी हाँ दोस्तों इस साल के अंत तक इस महीने के अंत तक सभी राज्यों में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा एल्डर लाइन दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ेंगे सिमिलर है सर संवेदना संवेदना क्या है सर बच्चे जो हैं हमारे जो कोविड नाइन्टीन में लॉकडाउन में है माँ बाप की स्क्रूटनी में जी रहे हैं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं मस्ती नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पा रही है साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो गए हैं उनके लिए दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोस्तों एनसी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर जो है दोस्तों वो लेकर आए एक हेल्पलाइन जहां पर संवेदना जी हाँ टेली परामर्श टेली काउंसलिंग सर्विस है दोस्तों संवेदना जहां बच्चे टेली काउंसलिंग कर सकते हैं से मनोवैज्ञानिक से बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं जी हां दोस्तों सितंबर 2020 में शुरू की गई थी संवेदना का पूरा नाम आपके स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए समय नहीं दूंगा ज्यादा लिखने का आपको मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से लिखते रहिएगा पूरा नाम इसका संवेदना ठीक है दोस्तों याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी लास्ट ईयर लॉन्च किया था पढ़ाई संबंधित बच्चों के लिए वो भी हम लॉन्च किया था वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया था यहां पर बच्चों के राइट्स के लिए लॉन्च किया गया है दोस्तों संवेदना को नाम पूरा आपके स्क्रीन पर सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वर्ग थ्रू द इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस कितना बड़ा नाम रखते हैं छोटा सा नाम रखना चाहिए संवेदना ही बेहतर है बच्चे भी याद नहीं रख पाएंगे इतना बड़ा नाम तो मतलब ना बच्चों के लिए बनाया गया वो याद नहीं कर पाएंगे तो बेहतर है संवेदना याद कर लो संवेदना इस नाम से मेरी आगे चलते हैं दोस्तों एनसीपीआर यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स काम की संस्था है दोस्तों ये बहुत काम की संस्था है बच्चों के हितों के लिए कार्य करती है याद रखिएगा यू का कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है भारत ने यू एन कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक कन्वेंशन है यू का दोस्तों उसके तहत हमने इसको तैयार किया है और उसके ही तहत उस कन्वेंशन पर भारत ने साइन किया है सिमिलर नाम से कन्वेंशन है अधिकार बाल अधिकार संरक्षण के नाम से यूएन का कन्वेंशन है दोस्तों हमने उस पर साइन किया उस कन्वेंशन पर और उसके अकॉर्डिंग ये कमीशन तैयार किया है और उसके अकॉर्डिंग ही एक संस्था हमने तैयार किया है दोस्तों एक कानून तैयार किया है जे जे एक्ट दो हज़ार पंद्रह जे जे एक्ट जुबनाई जस्टिस एक्ट बाल अपराध न्यायालय अधिनियम दो हज़ार पंद्रह मेनका गांधी मंत्री थी उस समय याद आता है मेनका गांधी उस समय बाल महिला बाल विकास मंत्री थी पिछले कार्यकाल में उनके देखरेख में बिल पास कराया गया था जो नायल जस्टिस एक्ट 2015 का आ, बाल अपराध न्यायालय बाल अपराध अधिनियम 2015 का दोस्तों आ, बाल अपराध न्यायालय अधिनियम 2015 उसमें हमने बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा दिया था जी हाँ दोस्तों और ये एक्ट ये कमीशन और वो कानून दोनों क्यों बनाए भारत सरकार ने देश में बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए याद रखिएगा नेशनल चाइल्ड पॉलिसी 2013 की है उसको याद कर लीजिएगा बहुत काम की कहाँ मिलेगी पढ़ने के लिए इंडिया एयरबुक चैप्टर नंबर ट्वेंटी एट चैप्टर नंबर ट्वेंटी एट का नाम है वेलफेयर कल्याण कल्याण के अंदर महिलाओं का कल्याण बच्चों का कल्याण एस सी एस टी ओ बी सी आदि कल्याण की बात कही गई है उसमें कल्याण है बच्चों का कल्याण उसमें दी है पहला टॉपिक नेशनल चाइल्ड पॉलिसी दो हज़ार तेरह बच्चों का शारीरिक मानसिक मनोवैज्ञानिक शैक्षणिक पोषण वाइज विकास करना है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल डाउन डेवलपमेंट करना बच्चों का हमको सर तो वहां मिलेगी पढ़ने को आपको चाइल्ड पॉलिसी पढ़ लीजिएगा एग्जाम में आ सकती है दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके साथ आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग यहां से ओके okay. मंगोलियाई कंजूर सुन लीजिए दो दोस्तों मंगोलियाई कंजूर क्या होता है मंगोलियाई कंजूर मंगोलिया का पवित्र ग्रंथ जैसे हमारे गीता कुरान बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं हम लोग उसी तर्ज पर मंगोलिया में कहते हैं सर मंगोलियाई कंजूर कंजूर मतलब बुद्ध की वाणी बुद्ध के आदेश बुद्ध ग, भगवान बुद्ध के आदेश लिखे हुए हैं इसके अंदर पवित्र ग्रंथ है मंगोलिया का इसका इसके सेट इसके मल्टीपल कॉपीज तैयार करके भारत गिफ्ट करना चाहता है मंगोलिया को हमने प्रोजेक्ट हाथ में लिया हुआ है कंजूर की पंडुलिपियां है ये जो ये जो आ, ये जो मनुस्क्रिप्ट हैं कंजूर की इस मनुस्क्रिप्ट को मल्टीपल कॉपी करके हम गिफ्ट करना चाहते हैं सर सौ सेटों का पुनर्मुद्रण जी हाँ सौ सेट का रीप्रिंट कर रहे हैं हम लोग कंजूर का सर और मंगोलिया को गिफ्ट करेंगे जी हाँ दोस्तों तो ये हम कर रहे हैं और अभी हाल में भारत के साथ मंगोलिया की बातचीत चल रही है याद रखिए मंगोलिया हमारा ना क्या है स्पिरिचुअल ब्रदर है आध्यात्मिक भाई कहते हैं मंगोलिया को दोस्तों अपना हम लोग तो याद रखिएगा मंगोलिया हमारा आध्यात्मिक भाई है और दो में थोड़ा बैकग्राउंड सुन लीजिए मंगोलिया के साथ दो मिनट फटाफट न्यूज सुन लीजिए दोस्तों दो की बात है पीएम साहब गए थे मंगोलिया याद है ना ड्रम बजाते हुए मंगो पीएम साहब याद होंगे और मंगोलिया सरकार ने कोई घोड़ा गिफ्ट किया था पीएम साहब को घोड़ा दिया था एक चेतक नहीं चलिए कंटक नाम होगा उसका ठीक है तो घोड़ा गिफ्ट किया था मंगोलिया ने हमको यहाँ पर ठीक है अलग बात है कभी और कहानी बात करेंगे उस घोड़े की, की अजीब कहानी है आ, पी साहब गए थे मंगोलिया की यात्रा पर भारत के पहले पी थे जो मंगोलिया की यात्रा में गए थे मालूम है आपको पी मोदी साहब तो कोई को नहीं छोड़ा हमारे पी एम साहब ने लगभग दुनिया पूरा कवर किया कहीं ना कहीं तो मोदी साहब की यात्रा थी 1955 में दोस्तों 1955 में मंगोलिया को हमने कहा था ये हमारा आध्यात्मिक भाई है स्पिरिचुअल ब्रदर है हमारा ये बौद्ध धर्म दोनों में कॉमन है नेहरू की यात्रा नहीं हुई थी लेकिन नेहरू के साथ संबंध अच्छे बने मंगोलिया के मंगोलिया को मान्यता देने वाला रिकोगनाइज करने वाला भारत पहला नॉन सोवियत कंट्री था नॉन सोवियत ब्लॉक कंट्री कम्युनिस्ट ब्लॉक कम्युनिस्ट देशों ने दे रखी थी मंगोलिया को मान्यता चीन ने सोवियत ने कोरिया ने जो कम्युनिस्ट कंट्री थे उन्होंने मंगोलिया को मान्यता दे दी थी लेकिन बाकी कैपिटलिस्ट कंट्री किसी ने दी थी हमने दिया था जी हाँ तो हमने आ, मंगोलिया को ऑर्गेनाइज किया एज अ कंट्री के रूप में और उन्नीस में अपना भाई बोला आध्यात्मिक भाई है हमारा ये तो तब हिंदी चीनी भाई, भाई भी चलता था याद होगा आपको मंगोलियाई भाई बन गया हमारा आध्यात्मिक भाई अच्छा भाई निकला सर आगे जाके लेकिन ये इस भाई ने रखी और दो में क्या हुआ मालूम मोदी साहब गए तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर जी हाँ दो में मंगोलिया बन गया है हमारा रणनीतिक भागीदार दोस्तों जी हाँ जो ड्रम बजाया था मोदी साहब ने वहां जाकर उसका फायदा हमको मिला ठीक है और हमारा बन गया है मंगोलिया रणनीतिक भागीदार स्ट्रेटेजिक पार्टनर दोस्तों याद रखेंगे सारी बातों को मिलाकर आप लोग डॉक्टर अशिता सिंह मुझे आपका मेल मिल गया है मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा बहुत जल्दी ही आगे बढ़ते हैं दोस्त आगे चलते हैं आप जो मेल भेजते हैं मैं देख लेता हूं आपके जो व्हाट्सएप आते हैं आपके टेलीग्राम आते हैं लेकिन रिवर्ट कभी नहीं कर पाता थोड़ा सा टाइम का इशू होता है दोस्तों लेकिन प्रयास करता हूँ पढ़ जरूर लेता हूँ आप लोग कहते हैं भाई नारो जाते हैं बच्चे की सर आप इतना मैसेज कर दिया पढ़ते ही नहीं है रिप्लाई नहीं करते हैं मैं कहता हूँ यार वेट कर लो कई बार कहूँ वेट करना बहुत दूँगा कहता हूँ वेट करो फिर भूल भी जाता हूँ मैं कई बार तो प्लीज़ आप मेल भेजते रह करो ना ऐसा कुछ नहीं है मतलब आपका काम है अपना काम करते रहो मेरा काम जिस दिन नंबर आएगा उस दिन आपको मैं डिस्कस कर लूँगा आपके साथ ठीक है चलो आ जाओ दोस्तों बात मैं कर रहा था मंगोलिया अच्छा पार्टनर है सर अच्छा पार्टनर क्यों मंगोलिया मालूम है आपको मंगोलिया भारत को देता है यूरेनियम मंगोलिया से हमारी यूनियन डील हो चुकी है मालूम है आपको यूनियन सप्लाई करता है मंगोलिया भारत को जी हाँ मंगोलिया भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हम हर साल एक्साइज़ करते हैं मालूम है मैं आपको एक्साइज कौन सी नोमेटिक एलिफेंट का नाम सुना है नोमेडिक एलिफेंट नहीं सुना सुन लीजिए दोस्तों बहुत काम की बात है नोमेटिक एलिफेंट एक्साइज होती है मंगोलिया के साथ हमारी मंगोलिया बहुत कम देशों से एक्साइज़ करता है हमारे साथ करता है अमेरिका के साथ करता है और एक दूसरे लेकिन हमारे साथ भी करता है नोमेटिक एलिफेंट के नाम से ठीक है दोस्तों अच्छा यूनियन देता है नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज करता है कंजूर की बात मैंने की आपके साथ दोस्तों इसको याद रखिएगा इसके अलावा सर और कुछ हम लोग कर रहे हैं मंगोलिया के लिए काफ़ी रहेगा इतनी जानकारी दोस्तों कंजूर क्या है एक बहुत एक ग्रंथ है सर कंजूर की बात मैं कर रहा था डॉटर कंजूर भी आ जाऊँ फटाफट फटा आपके साथ तो कंजूर का मतलब होता है सर कंजूर का मतलब होता है, मतलब होता है भगवान बुद्ध की शिक्षाएं संक्षिप्त आदेश कंजूर शॉर्ट ऑर्डर कंजूर इस आ, मंगोली शें कंजूर होता है इसको इसको कहते हैं भगवान बुद्ध के आदेश हैं उसको हम रिप्रिंट कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर चलिए ठीक है दोस्तों संबंध काफी अच्छे रहे हैं आ, सारी बात कर लेंगे हम लोग दोस्तों आइए भारत से आ जाइए फटाफट इसमें कुछ और जोड़ने के लिए बास्व जयंती छोड़ दीजिए हाल फिलहाल वेज कॉम की बात हम कर चुके हैं कछुए की बात हम कर चुके हैं चलिए इसमें पूरा हो गया काम ठीक है दोस्तों तो ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया काम खत्म हो गया है अच्छा एक खबर छोटी सी खबर दोस्तों छोटी दो खबर और सुन लीजिए ये एक प्लेक है ये एक प्रकाश एक प्लेट लगी है सर एक ऑफिस के बाहर ये ऑफिस जो है सर ये ये आ, किसका है सर ऑफिस ये ए जो है अटॉर्नी जनरल जो है श्रीलंका के उनका ऑफिस है सर ये अटोर्नी जनरल का ऑफिस है श्रीलंका के उनके डिपार्टमेंट के बाहर ये एक ये प्लेट लगाई गई है सर और इस प्लेट में तीन भाषाओं में लिखा है श्रीलंका की सहली भाषा इंग्लिश भाषा और चाइनीज भाषा जबकि श्रीलंका के जो संविधान है वो कहता है वहाँ की तीन भाषाओं को स्वीकार है इंग्लिश सहलीज और तमिल वहाँ पर जो भी प्लेट बनाई जाती है जो भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम होता है वो तीन भाषाओं में स्वीकार है सहलीज में इंग्लिश में और तमिल में यहाँ पर तमिल हटाकर मैंद्रीन लिख दी गई है चाइनीज़ भाषा का प्रयोग किया गया है चाइनीज भाषा को बनाए लिखा गया है जिसके बाद श्रीलंका में काफ़ी नाराज़गी आ गई तमिल भाषा एक संविधान दर्जा मिला है तमिल भाषा को वहाँ पर उसको हटा के चीनी भाषा लिखना इसके बहुत बड़े डिप्लोमेटिक मतलब है अपने आप में भारतीय तमिल भाषा जो तमिलों की भाषा है बड़े इसके बाद तमिल आबादी रहती है उनकी भाषा को हटाकर चाइनीज़ भाषा लिखा जा है सोशल मीडिया पर जब काफ़ी हंगामा हुआ इस फोटो को लेकर तो फिर वहाँ पर इसको हटाया गया और दोबारा तमिल भाषा वाला का बोर्ड लगाया गया लेकिन ये सिंबलाइज करता है यहाँ पर दोस्तों जबकि खास बात क्या है ये बहुत बड़े अधिकारी हैं छोटे मोटे अधिकारी की बात नहीं हो रही है इनके डिपार्टमेंट के बाहर से जो लाइब्रेरी बनी वहाँ पर तमिल को हटाकर सर चाइनीज़ भाषा को जोड़ दिया गया जिसको लेकर काफ़ी नाराजगी रही सोशल मीडिया में दोस्तों ठीक है ये अपने आप सिंबलाइज करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर ठीक है सर मामला समझ में आ रहा है यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूँगा दोस्तों आपके साथ जियो की बात हमने की दोस्तों इसमें कुछ और जोड़ना था मुझे को सुन लीजिए दोस्तों वन लाइन काम की है हेडिंग बनाएंगे ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम ठीक है मैं इसकी बात करता हूँ फिर आता हूँ ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम सुनिए मामला क्या है दोस्तों फिर मैं क्लास खबर लूंगा इसके बाद ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम क्या है सर ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम क्या जी ई ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम सुनिएगा अमेरिका भारत का दोस्त है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है बहुत अच्छे संबंध है हमारे तो यूएसए ने क्या करा यूएसए का प्रोग्राम है सर जी देखो बहुत सिंपल सी बात हमारे ए स्क्वायर गाय मान लो यहाँ से ए स्क्वायर जानते हैं ना आप लोग कौन है वो ढूंढ लीजिए कौन है ए स्क्वायर तो हमारे दो उद्योगपति हैं बड़े बड़े उनका नाम ए स्क्वायर है तो वो गए अमेरिका की यात्रा पर बिजनेस सिलसिले में गए अपने प्लेन से गए या वो किसी फ्लाइट से गए अमेरिका के एयरपोर्ट पर उतरे वहाँ से मिल करके ये न्यूयॉर्क शहर है यहाँ जाना है उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा चेकिंग होगी फ्रिस्किंग होगी सामान चेक किया जाए डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे अब ए स्क्वायर इतने बड़े एशिया के लार्जेस्ट अमीर लोग हैं तो उनका डॉक्यूमेंट चेक करोगे क्या इनका वीज़ा चेक करोगे बैठ के नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता देखो यार हम लोग तो हमारे स्पेशल प्रविलेजन लोगों कहीं भी आए जाएँ कोई मना नहीं करता इनके बंदरगाह इनके सड़कें इनकी रेल इनकी जहाँ चाहे आ जा सकते हैं स्क्वायर के लोग ये लोग तो अच्छा नहीं लगता कि आप इनकी चेकिंग करो अमेरिका में तो अमेरिका सर ठीक है यार एक काम करते हैं मेरा एक कार्यक्रम चलता है इसका नाम है जी इसका नाम है जी ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम इसमें अपने दोस्तों को जोड़ता हूँ मैं तो अमेरिका इसमें अपने दोस्तों को जोड़ता है जो नाटो के देश हैं ब्रिटेन है जर्मनी है और इसमें अगर कोई देश है तो वो देश अमेरिका को लिस्ट दे सकता है भैया मेरे यहाँ से ये लोग बार बार आएंगे आपके यहाँ पर इनको आप चेकिंग वैकिंग मत करना पीछे दरवाजे का एक कार्ड दे निकल जाएंगे आराम से ये ये ना इनको मतलब चेकिंग मत करना सामान इनका इनको बेजती मत करना इनको फ्रिस्किंग मत करना कहीं इनके तो वो अच्छा नहीं लगेगा तो आप इनको निकलने देना आराम से तो अमेरिका क्या, क्या करता है दोस्तों मैं दिखाता हूँ चलता हूँ अपने आई के लेक्चर में आई आर के चलेंगे लेक्चर में पुरानी बात हो गई हालाँकि कहीं कहाँ है आई का लेक्चर हमारा यहाँ आई का लेक्चर आई आर आई आर आई आर आई आर आई आर आई यारी फाइव पी फाइव अमेरिका यू एस इंडिया यूएसए इंडिया यूएसए ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम ये रहा तो अमेरिका क्या करता है दोस्तों ऐसे देशों के उन नागरिकों को जो स्पेशल प्रिवलेज स्पेशल विश्व अधिकार जिनके पास हैं सर उनको ये कार्ड दे देता है ठीक कार्ड रखो ये ग्लोबल एंट्री कार्ड है मेरा आना एयरपोर्ट पे ये मशीन लगी होगी वहाँ पर गेट पर अपना कार्ड स्वैप करना जान जाएंगे हम आप ए स्क्वायर में से एक ए हैं जाइए आराम से अमेरिका घूमिए आराम से कोई रोकने वाला आपको जी हाँ दोस्तों यानी इनके लिए अमेरिका में प्रवेश करना आसान हो जाएगा तो जी के तहत अमेरिका विदेशों से आने वाले अपने मित्र राष्ट्रों से आने वाले विशेष नागरिकों को विशेष अधिकार प्राप्त नागरिकों को गुजरने देता है बिना जांच के मामला समझ में आ गया ठीक है अब सर विशेष अधिकार प्राप्त इंडिया के कौन कौन नागरिक होंगे आशीर्वाद सर है उसमें नहीं सर अब तो नाम बदनाम है आपको स्वास्थ्य का बाहर ना जाने दे मतलब आपको तो वीज़ा वीज़ा सब रद्द करवा देगी भारत सरकार तो कौन हो सकता है ये लोग ए स्क्वायर ठीक है भैया बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएंगे हमारे फिल्मी कलाकार आ जाएंगे सेलिब्रिटी आ जाएंगे स्पोर्ट्स पर्सन आ जाएंगे पॉलिटिकल नेता आ जाएंगे टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेटिक लोग आ जाएंगे हमारे ठीक है बाकी और कोई शामिल करना हो तो तो हमारे यहाँ पर समझिएगा दोस्तों कोई संस्था होगी जो ये नाम आगे बढ़ाती होगी जी हाँ हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज लाइक हमारी जो पुलिस है हमारी हमारी जो सीबीआई है या जो भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो उस नाम को वेरीफाई करती हैं कि ये नाम जी लिस्ट में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मान लीजिए मैं कहता हूँ सर मेरा नाम जी में शामिल करवा दीजिए कहेंगे भाई तुम कौन मैं कहूँगा सर मैं एक शिक्षक हूँ और मैं ये काम करता हूँ अच्छा दिखाओ तुम्हारे खिलाफ केस तो नहीं है कोई तो केस चेक करेंगे मतलब हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसी जांच करेगी मेरे बारे में पूरा पूरा केस पता करेगी देश भर में एक एक थाने में कि भैया ठीक है करैक्टर है क्या नहीं कहीं आतंकवादी वाला काम तो नहीं किया अर्बन नक्सलाइट तो नहीं है कहीं है, ये ये सरकार के ख़िलाफ़ क्या लिखता है इसके पोस्ट देखो क्या है इसके सब चेक करेगी मेरा वो ठीक है सब चेक कर लिया तो चेक करने का तरीका क्या होगा यहाँ पर तो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ उस ख़बर पर दोस्तों अब यहाँ पर कहा गया है इसके सत्यापन के लिए इसके आ, कहना चाहिए मुझे चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे सी सी टी एन एस नेटवर्क का दोस्तों तो याद रखिए खबर हमारी यहाँ पर दोस्तों सीसी टी एन एस नेटवर्क का यूज़ करेगी हमारी सुरक्षा एजेंसियां ये क्या क्या है सीसी टी एन एस ना हम लोग क्या है ये सी सी टी एन एस नेटवर्क क्या है बच्चा लोग आप जानते हैं छब्बीस ग्यारह के बाद ना चिदम्बरम उस समय हमारे आ, मुझे कहना चाहिए बनाया गया था चिदम्बरम को हमारा होम मिनिस्टर बनाया गया था जब छब्बीस ग्यारह हुआ था तब शिंदे साहब थे उसके बाद चिदम्बरम को बनाया गया होम मिनिस्टर और चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर बने उसके उनके तीन एम थे उनके तीन सपने थे छब्बीस ग्यारह के बाद उन्होंने कहा था भारत को सुरक्षित करना है तीन सपने उन्होंने देखे थे एनसी का नेट नेट ग्रिड ग्रिड का 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 और का. बाकी एनआईए तो बन ही गया था क्योंकि उस साल उनके जब बने तो उससे पहले एनआईए बन चुका था तो एनआईए बनाया हम दो हजार आठ नौ में नौ के स्टार्टिंग में बाकी तीन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में तीन चीजें बन जाएं तो शायद हम लोग अपराधों को बेहतर रोक पाएंगे सीसीटीएनएस नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड और एन सी टी सी नेशनल एक प्रकार से काउंटर टेररिज्म सेंटर आतंकवाद विरोधी केंद्र ये सपना का सपना ही रहेगा आज तक बन नहीं पाया कभी और चर्चा करेंगे इस पर हम लोग एन सी टी सी पर ठीक है तो कोई बना नहीं लेकिन नेटगेट बन के तैयार हो गया है और तैयार हो गया सी सी टी एन एस ये क्या है सर सी सी टी एन एस देश भर के पंद्रह हजार पुलिस थाने सात सौ जिले हैं साढ़े सात सौ जिले हैं पंद्रह हज़ार पुलिस थाने देश के अंदर आप पुलिस थानों की बात करें इनके एस ऑफिस की बात करें जितना भी पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर देश में सबको लिंक कर दिया गया है साइबर रूप से सबको लिंक कर दिया गया है तो साइबर रूप से हमारे यहाँ पर सी नेटवर्क के अंतर्गत यानी अब आप एफ़ ऑनलाइन हो सकती है दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने में एफ लिखी जाएगी तो उसकी जानकारी एक्सेस कर सकता है तमिलनाडु के किसी जिले में बैठा हुआ कोई पुलिस अधिकारी कि ओके मिस्टर आशीर्वाद आपके खिलाफ एफ दिल्ली के थाने में लिखी गई थी आप मुझसे आके मांग रहे हैं पासपोर्ट के लिए क्लियर कर दीजिए मेरा मैं आपको नहीं करूंगा सबको जोड़ दिया गया सत्यापन करना बहुत आसान होगा तो पहले थाने के बाहर फोटो लगाते थे थाने के अंदर कि वे गुमशुदा हैं या ये गुमशुदा नहीं ये मोस्ट वांटेड लोग हैं थाने के अब ये फोटो ऑनलाइन है आपका चेहरा चेक करेगी सीसी टीन नेटवर्क डाला जाएगा आपको फोटो खींच कर कि आपके कहीं वांटेड तो नहीं है कहीं आपके थाने में तुरंत आ जाएगा फोटो स्कैन होकर हाँ यार इस थाने में वॉन्टेड इंसान है भैया इंडिया नहीं मिलेगा आपको वीजा वीजा नहीं मिल रहा तो तो आप घर में रहो वहां जाओ गिरफ्तार हो जाओगे यानी कहीं ना कहीं सत्यापन करने के लिए हम यूज करेंगे दोस्तों सीसीटीएनएस नेटवर्क का क्या खबर क्लियर हो गई दोस्तों आपको तो सीसीटीएनएस नेटवर्क क्या है बच्चा लोग याद हो गया किसने बनाया है सर ये किसने बनाया सर ये किसने बनाया दोस्तों ने नेटवर्क मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ठीक है दोस्तों तो शिवराज पाटिल के जाने के बाद उस समय जब वो उन ड्रेस पे वाद हुआ था कि ठीक है तो छब्बीस ग्यारह हो रहा था अगर वो कपड़े बदल रहे थे बार बार तो उस पर वाद हुआ उनके जाने के बाद और पाटिल साहब के जाने के बाद आ, आ, कौन मना था चिदम्बर मने थे गृह मंत्री उनके तीन सपने थे अपने आप में तो गृह मंत्रालय का अधीन दोस्तों हमने देखा बनते हुए सीसीटीएनएस और नेट ग्रिड को दोस्तों तैयार हो गया ये नेटवर्क पूरा का पूरा नेट ग्रेड भी तैयार हो गया हमारे देश में नेट ग्रेड और एन आई तैयार हो गई छब्बीस ग्यारह के बाद दोस्तों और लेकिन तैयार नहीं हुआ एनसी क्यों नहीं हुआ कभी और बात करेंगे क्या इससे संघीय ढांचे का उल्लंघन हो रहा था क्या इससे फेडरल स्ट्रक्चर का हो रहा था राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र बनता तो देश में फेडरल स्ट्रक्चर टूट जाता ऐसा कहना था ममता दीदी का ऐसा कहना था तमिलनाडु की सीएम का ऐसा कहना था कई और अपोजिशन राज्यों का मोदी साहब का भी जी हाँ कि ये बन गया एनसीटीसी तो ये उसमें गुजरात के सीएम थे वो उनका मानना था कि इसके बनने से फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा संघीय ढांचे को उल्लंघन होगा उसके बाद सरकार ने प्रयास किया आज ही प्रयास करिए लेकिन आज राज्य नहीं मानते हैं दोस्तों तो उसको छोड़ दीजिए बाकी तीन संस्थाएं बनकर तैयार हो गई हैं। याद रहेगा दोस्तों उनको सारी बातें फटाफट एक एक बटन दबाओ एक हमारे मित्र कह रहे हैं सर रोनाल्डो मूवमेंट्स कह रहे हैं सर फिजिक्स वाला क्लास इज बेस्ट सर अच्छा फिजिक्स वाला क्लास अच्छा लगा पार्टिकल फिजिक्स का थैंक यू वेरी मच दोस्त आपको आपको पसंद आया बोलते मैं आपको लाइव रखता पहले यहाँ पर आप कह रहे हैं फिजिक्स वाला क्लास बढ़िया था सर आपका मैं समझ गया आपका कहना क्या है लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ बात कर रहा हूँ मैं समझ गया कि आपको पार्टिकल फिजिक्स वाला क्लास अच्छा लगा है दोस्त थैंक यू वेरी मच ओके रोनाल्डो जैसे आपका फर्जी नाम रोनाडो ऐसी मैंने बात कर दी आपके साथ चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्त आगे चलेंगे आपके साथ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है सब कुछ हो गया अच्छा बात तो हम कहना भूल ही गए आपसे कौन सी बात एक मैंने खबर देखी थी कुछ दिनों पहले दोस्तों आज तक टी वी दिखाया था स्क्रीन भी मेरे पास है अब तक इसका हमारी श्वेता जी कह रही थी मैम मैम कहता हूँ उनको अच्छा लगता सीनियर है मेरी तो आ, कि अगर आप यज्ञ से ऑक्सीजन करते हैं ऑक्सीजन बनती है यज्ञ एक तोला घी से यज्ञ करने पर एक ऑक्सीजन बनती है और वो कह रही थी गाय एकमात्र प्राणी जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है ऑक्सीजन छोड़ती है तो इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा मैं विज्ञान का छात्र हूँ मैं नहीं जानता इसके बारे में तो ये उन्होंने कहा था और आ, इसको देखते हुए इसको देखते हुए उन्होंने क्या हुआ है कई राज्यों में हम लोग ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं कई राज्यों में ऑक्सीजन को के प्लांट लगाए जा रहे हैं दोस्तों हम जानते हैं सभी जगह पर तो ठीक अच्छी बात है तो गाय और ऑक्सीन को संबंध है ये मानता है कुछ हमारे मीडिया समूह का बाकी कोई साइंस नहीं कह रहा पॉलिटिशियन भी आजकल चुप हैं इस बारे में कि कुछ मीडिया चैनल कहते हैं कहने दो उनको यार मतलब ठीक है इनको कहने दो आप यहाँ पर ठीक है तो अभी यहाँ पर जो न्यूज़ हमारे पास आई है सर असम में क्या हो रहा है असम में गायों को बचाने का एक बिल लाया गया है दोस्तों आ, ये अलग खबरें दो अलग खबरें हैं बिल्कुल असम में एक तरफ बाकी राज्यों में एम में यूपी में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं अच्छी बात है सर और असम में एक बिल लाया गया है गाय को बचाने के लिए गाय का संरक्षण करने के लिए तो गवर्नर जगदीश मुखी ने विधानसभा का सत्र शुरू हुआ उन्होंने कहा कि गाय प्रोटेक्शन में नया बिल लाया जाएगा जैसा कि बाकी राज्यों में लाया गया है गाय को बचाया जाएगा हमारे यहाँ पर गाय इनपॉइंट जीव है दोस्तों दूध देती है हमारा जीवन जननी है हमारे एक प्रकार से दूध दे हमारी हमारे जीवन की रक्षा करती है इम्यूनिटी बूस्टर कहीं ना कहीं गाय के दूध में होता है दो नहीं है लेकिन मैं तो जोड़ रहा था सिर्फ आपके लिए यहाँ पर इनपॉइंट बात है दोस्तों असम में बचाया जाए गायों को यहाँ पर ज़रूरी है जो कि काफ़ी राज्यों में बिल लाए गए हैं इस प्रकार के और असम में एक बिल लाया जाएगा दोस्तों जो उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर प्रोटेक्टिंग द काओ जी हाँ दोस्तों तो यहाँ पर असम सरकार एक बिल लेकर आने वाली है जिसके तहत जिसके तहत गायों के खिलाफ अत्याचार करने वाले लोगों पर किसी भी प्रकार की नरमी नहीं दिखाई जाएगी ज़ीरो टॉलरेंस ज़रूरी है दोस्तों ज़रूरी है साथ ही साथ जरूरी है कि वहाँ पर आप अपनी स्पीच में कहते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग तैयार करेंगे और भी चीज़ तैयार करेंगे अच्छा लगता है लेकिन ठीक है एटलीस्ट गाय को बचाने की बात किया गया कि उन्होंने पूरी बात कर दी अपनी यहाँ पर उम्मीद करेंगे असम में केस कम हो नहाँ पर लोगों की मौत ना जाए दिल्ली में हमने देखा है ऑक्सीजन वालों को मरते हुए तो शायद तो शायद वहाँ भी कुछ प्रयास हो गए असम के अंदर प्रयास हो रहे होंगे सर जी हाँ लाइफ सस्टेनिंग मिल्क हमको देती है गाय जो कि बहुत ज़रूरी है एक पवित्र पशु है इसको बचाया जाना ज़रूरी है कोई दो राय नहीं है लेकिन मैं तो बात कर रहा था आज तक की ज्ञान के ऊपर ना तो मीडिया वालों को ज्ञान तो छोड़ ही दो मतलब कुछ भी दिखाते रहते हैं यार कुछ भी दिखाते रहते हैं वो लोग ठीक है दोस्तों चलो ठीक है चलो तो ये दोस्तों याद रखिएगा ये है आज का लेक्चर इसे हम अंगीकृत अभी स्वीकृत करते हैं आपके साथ इस, इस आज हम भारत के लोग स्वीकार करते हैं इस लेक्चर को खत्म होता है दोस्तों लेक्चर हमारा उम्मीद कर रहा हूँ पसंद आया होगा ज्ञान का वर्धन हुआ होगा हंसते गाते हमने लेक्चर पढ़ लिया काफी खबरें आज की होंगी लगभग दस खबरें तो हमने की होंगी ऐसा मानता हूं मैं दस बारह खबरें तो हमने की होंगी कम से कम आपके साथ आज ठीक है दोस्तों नहीं गाय को बचाना जरूरी है दोस्तों गाय को बचाना बहुत जरूरी है इसमें कोई दोहराई नहीं कोई पशु यार कोई पशु जीवन के बचाना बहुत जरूरी है इसमें कोई दोहराई नहीं रखता मैं लेकिन मैं सिर्फ जोड़ रहा था जहाँ पर बाकी राज्य ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं मानव जीवन को बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहे हैं वहाँ पर गवर्नर साहब बात करें गाय को बचाने थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में प्राथमिकता जीवन को बचाने की मानव जीवन को बचाने की होनी चाहिए चलिए कोई बात नहीं ज़रूरी सबको बचाया जाए आर्टिकल 21 भी है आर्टिकल 47, 48 भी है संविधान में मानव जीवन के साथ साथ वन्य जीवन भी ज़रूरी है चलिए दोस्तों रोकते क्लास को हम लोग यहाँ पर मुलाकात करेंगे आपके साथ पंद्रह खबरें हो गई सर आज ठीक है मुलाकात करेंगे दोस्तों आपके साथ सुबह नौ बजे अपने अपने एटोल सेशन में तक चले दीजिए आ गया थैंक यू शुक्रिया जय हिंद